और भगवान का कोई नाम जप कर बस इसी से ही जीव ये भवसागर से पार हो जाएगा। एक बार सब हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। आज इतने जोर से उनको प्यास लगा, जिंदगी में कभी इतना प्यास लगी नहीं। पानी ढूंढते ढूंढते एक श्रमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वो बाबा सचमुच से भजन ही कर रहे थे। उनसे उन्होंने पानी मांगे, लेकिन वो तो ध्यान में बैठे हुए थे, उनको ध्यान टूटी नहीं। परीक्षित महाराज बोले देश का राजा मैं हूँ, थोड़ी सी पानी पीने के लिए आया तो तुम्हारे पास में पानी तक भी नहीं दे सके। वहीं पर था एक मरा हुआ सर्प, उनने सर्प को उठा कर उनकी गले में पहना दिया। इतने में जब उसकी पिता को ये बात पता चली, उसको बच्चे को पता चला, उसने अरे वो अरे अभी उनको बच्चे को पता चलते ही उसने कौशकी नदी की पानी उठा करके उन्हें अभिशाप दे दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प को डाले, मैं उसको अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। अभी राजा को पता चलते ही अगर हमें कोई बोल दे 7 दिन में तुम मरोगी, फिर क्या होगा बोलो? सुनते तो आधा ही मर जाएंगे, लेकिन वो दुखी नहीं हुए, सुखी हुए। बोले क्यों? जब उन्होंने ऋषि की गला पर मरे हुए सर्प को डाल करके गए, परीक्षित महाराज सोचा मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया। मैं अर्जुन का वंश में आया हूँ, अर्जुन का बेटा कौन है? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का बेटा कौन? श्री परीक्षित। बोले अर्जुन कृष्ण का परम भक्त है, ये हर समय संतों को हर समय उन्होंने पूजा ही किया है, संतों को कभी अनादर नहीं किया। लेकिन मैंने साधारण पानी की लोभ से एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने अच्छा काम नहीं किया। अगर हम कोई पाप कर्म कर दे, अगर हमें कोई दंड मिले ना, तो पाप हमारी खत्म हो जाते। सोच रहे थे मेरे ऊपर में कोई सजा होनी चाहिए। तब जो उनको सुना, उनको बच्चे ने अभिशाप दिया, बोले अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरे को दंड मिल गई, मेरी पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरह से उन्होंने खुश हुए, देखना मरने से 1 मिनट पहले भी हमें पता नहीं चलता हम लोग मरेंगे। लेकिन ठाकुर जी का कृपा देखो, 7 दिन पहले ठाकुर जी हमें बता दिए तेरे पास में 7 दिन हैं, जो कुछ करना कर लो, कम से कम 7 दिनों में मैं भगवान की भजन भगवान की कथा सुनते सुनते अपना जीवन को हम बिता देंगे। अगर हमें पता चले 7 दिन में मरने वाला, क्या करोगे? इतने बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, घूमेंगे पिएंगे, हैं 7 दिन में तो मर जाएंगे, जितने पैसा को उड़ा दो, उल्टा पुल्टा चीज खा पी करके ये 7 दिन तक उड़ा दो। लेकिन उन्होंने ये जीवन को ऐसे नहीं बिताया, उन्होंने अपना बेटे को राज सिंहासन में अभिषेक करते हुए उन्होंने सूपताल एक स्थान है, वहीं पर उन्होंने गंगा किनारा में उन्होंने आश्रय लिया, गंगा भगवान की चरणामृत है, मानो उन्होंने भगवान के चरणों को उन्होंने आश्रय लिया। अगर तुम और तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति पड़े, तुम भगवान की शरण में चले जाओ, कितना सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब हम ठाकुर की शरण में जाते हैं, जीवन का सब दुख हमारी दूर हो जाएगा। लेकिन उसी समय 88,000 ऋषि लोग वहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि ऋषियों के पास में दिव्य ज्ञान था। उनको पता चला यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, यहाँ पर कथा रूपी गंगा की नदी यहाँ पर बहेगी। 88,000 ऋषि लोग आए। परीक्षित महाराज सोचा ये अभिशाप नहीं, लगता है ये भगवान की वरदान है।
जीवन में एक संतों का दर्शन हो जाए, जीवन धन्य हो जाता। देखो आज कितने संत यहाँ पर बैठे, जीवन हमारी धन्य हो गया है। तो उन्होंने सबसे प्रश्न किया, बोले आज हो, कल हो, परसों हो और वर्षों हो, एक दिन सबको एक दिन मरना ही। जो ऐसे जो मरणशील पुरुष है उसका क्या कर्तव्य है, आप कृपा करके हमें बताओ। लेकिन वहाँ पर जितने ऋषि मुनि थे, बोले नासौ मुनिर जस्य मत नाभिर्नम, ऐसे ऋषि का कोई अलग मत नहीं था, जिसको कोई अलग मत ही नहीं हो। किसने कहा भैया अभी नवरात्रि आई ना, बोले तो नवरात्रि करो, माँ की कृपा होगी। बोले भैया इसके पास में दिन सात ही ना, नौ दिन कैसे, तो दिन इसके पास में सात ही है। किसने बोले मृत्युंजय कवच को पाठ करो, बोले भैया वही 49 दिन लगता है, इसके पास में सात दिन। अभी ये ऋषि मुनि लोग कोई तरह 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 का बात बताने लगे, आपस आपस में ये शास्त्रार्थ कर रहे थे। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, का बरसा जब कृषि सुखाई, मेरे पास में कुल सात ही दिन हैं और एक एक सेकंड जा रहा है, मतलब है हमारी दिन धीरे 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 ये खत्म होती जा रही है। अगर ये लोग ऐसे ही अगर जीवन को बिता देंगे तो फिर मेरी क्या होएगा। इनको पता है अगर सारे शास्त्रों को आप विचार करो ना, एक ही चीज निकलेगा। बोले क्या निकलेगा, बोले श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भय। अगर जीवन में कोई अभय पाना चाहते हैं, कहते तीन काम करो, बोले भगवान की स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान की स्मरण कृतव्य कीर्तन श्रवण कीर्तन करो, एक ही चीज निकलेगा। लेकिन मेरा तो समय धीरे धीरे बहते हुए जा रहा है, उसी समय उन्होंने निष्कपट होकर के भगवान कृष्ण की शरण में गए। बोले प्रभु आप ही मुझे मातृ गर्भ में दर्शन दे करके प्राण बचाया था, मेरे अंतिम समय है, अब एक ही व्यवस्था करो, जैसे सात दिन तक तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे जीवन बीत जाए। जब निष्कपट हृदय से आप ठाकुर को कोई चीज प्रार्थना करो, देखना ठाकुर जरूर श्रवण करते हैं। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले सुखदेव गोस्वामी की, बोले तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पादम। कहते सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, बोले 16 साल के थे, बड़ी सुंदर हैं, देखने में कृष्ण ही जैसे है, हैं जैसे माना साक्षात कृष्ण ही दूसरे स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हो गए। लेकिन कभी कृष्ण कीर्तन में नाच रहे थे, गा रहे थे, कभी हंस रहे थे, लेकिन ये बच्चे सोच रहे थे कोई शायद पागल है, इसलिए उनके ऊपर में धूल झोंकते हुए जा रहे थे। और स्त्रियां तो देख देख कर पागली हो रही थी, उनको लग रहा था साक्षात जैसे ये काम देव है, इतने सुंदर, लेकिन लगता है ये पागल है, लेकिन लगता जी साक्षात काम देव है। लेकिन जब उन्होंने 88,000 ऋषि जहाँ पर थे, जब वहाँ पर पहुँचे, इनके शरीर में जो अष्ट सात्विक विकार प्रेम का लक्षण था, इसको देख करके कर जो सोना रहे ना, वो सोने को पहचानता है, सब नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए वो समझ गए ये परीक्षित महाराज का प्रश्न का उत्तर यही सही सही रूप में देगा। वहाँ पर जा करके उनको पिताजी बैठे हुए थे, उन्होंने सब संतों को प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए उन्होंने सिंहासन में बैठ गया। फिर तब परीक्षित महाराज प्रश्न की झरी लगा दिए, बोले अतः पृच्छामि सम सिद्धि जोगिनांग परमम गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आज हो नहीं तो कल हो नहीं तो बरसो नहीं तो 100 साल को बाद में एक दिन सबको मरना पड़ेगा, इसलिए म्रियमाणस से मतलब ये जगत में सबको जीव को मरना ही होगा, कोई नहीं बच बोल सकता मैं मरूंगा नहीं, कोई बोल सकता मैं मरूंगा नहीं, सबको एक दिन मरना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है,
उनको क्या सुननी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अतएव जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने पर जीव का हृदय पूर्ण हो जाए, उनको ऐसे लगे जैसे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन किसी को ही पूछ लो, भले ही टाटा बिरला क्यों नहीं हो, अंबानी कंपनी वाले नहीं हो, बोले तुम्हारे पास में इतना पैसा, क्या तुम अभी तृप्त हो गया? वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी नहीं बने। इसलिए जगत में जितने भी मिल जाए इसको तृप्त नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं जगत में इसे क्या वस्तु है जिसको पाने के बाद उसको यही अनुभूति हो, मैं तृप्त हूँ, भगवान हमें सब कुछ दिया है, हमारे किसी चीज की कमी नहीं, ऐसे कोई चीज क्या है। जब उन्होंने ये सब प्रश्न की, ये प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, बोले बरियान ऐसे प्रश्न लोक हृत नृपम आत्मभीत सन्मत पुंसांग श्रोतव्याधि निजा पर। बोले हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न संसार में ही कुछ करते हैं। अगर किसी साधु के पास में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? बोले बेटा का अभी नौकरी नहीं लग रहा है, बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई, हमारे घर को सामने, हम अभी एक मंजिल में, हमारे सामने वाले तीन मंजिल उसको हो गया, मेरा कब ये तीन मंजिल होगी हैं? इसलिए आप देखना जाओगे तो यही चीज हम मांगेंगे। उनको नहीं कहेंगे ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, जीव का क्या कर्तव्य है, क्या करने पर ये संसार से हमें उधार होकर के भगवान की चरण हमें प्राप्ति होगा, ये चीज कोई कुछ बोलता नहीं। इसलिए ये प्रश्न सुन करके खुश हो गए, तुमने बहुत अच्छी प्रश्न किया है। तब उन्होंने इसकी उत्तर देते हैं, बोले निद्रया आर्यत नक्तम बेवायन चबाबयम दिवाच अर्थ हय राजन कुटुंब भरण नवा। बोले परीक्षित, इस जगत में लोग कुल चार ही काम करके ये जीवन को व्यतीत कर देते हैं। कितने काम करते हैं ध्यान देकर सब सुनो, सारी कथा को ठीक से सुनो और घर में जाकर बोलना, ऐसे नहीं यहाँ कथा सुन लिया घर में जाकर भूल गई। कौन जाकर घर में कथा सुनाता है? आज अपने भागवत कथा में गया था और कथा में ये महाराज जी ये बात बता रहे थे, घर में जाकर बच्चों को सुनाते कि नहीं, क्या सुनाते हो? इसलिए बच्चों को क्या सुनानी चाहिए, कृष्ण की कथा सुनाओ, रामायण कथा सुनाओ, हैं दशरथ महाराज की, भगवान राम की कथा सुनाओ। नियम है आप लोग जो सुनाना अपना बच्चों को सुनाओ, छोटे छोटे बच्चों को छोटी 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 उनकी प्यारी प्यारी कथा सुनाओ। कौन सा कथा सुनाओगे? अगर यहाँ ध्यान से सुनोगे तब तो बच्चों को सुनाओगे ना। इसलिए कागज और पेन लेकर के आना और जो कितने कथा को सुनते हो उसको क्या करो, नोट करो, और नोट करके जिनको कथा सुनाओगे पहले तो तुम्हारी मंगल होगा और जो सुनने वाला उसका भी मंगल होगा और वो बच्चों के अंदर में संस्कार भी आएगा। अगर जाकर के बोलोगे भगवान राम सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूते थे, बच्चों के अंदर में क्या संस्कार पड़ेगा? हमें भी सवेरे उठ करके पिता माता की हमें भी चरण छूनी चाहिए। अगर बच्चों को सुनाओगे जब दशरथ महाराज शयन करते थे, भगवान राम उनके चरण की सेवा करते थे, बच्चों के अंदर में क्या संस्कार पड़ेगा? हमें भी पिता माता की चरण की सेवा करनी चाहिए। बोले भगवान राम अपना पितृ आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए, बच्चों के अंदर में क्या संस्कार पड़ेगा? इसलिए पिता माता हमें जो आदेश देते हैं उसको हमें पालन करनी चाहिए, तभी तो बच्चों के अंदर में संस्कार पड़ेगा, नहीं तो संस्कार कहाँ से पड़ेगा? अगर इधर उधर का कहानी दुनियादारी कहानी सुनाओगे तो बच्चों को संस्कार काम करेगा। ठीक है, क्या करना, कथा को ठीक से सुना करो एक मन से, और ये कथा जाकर बच्चों को सुनाओगे। कल सबको मैं पूछूंगा किसने किसने घर में जाकर के बच्चों को कथा सुनाई। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये दिन भर हम चार ही काम करके जीवन को बिताते हैं। बोले दिन में 2 काम करते हैं और रात को 2 काम। बोले दिन में 2 काम क्या करते हो?
बोले पहला काम पैसा कमाओ और पैसा का द्वारा बच्चों को लालन पालन करो, ये दिन में ये काम। रात को सोते ही और विषय भोग करते हैं, संतान को जन्म देते हैं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, ये जो मानव शरीर हमें दिया है, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर दिया। भगवान बारंबार ये मानव शरीर जीव को नहीं देते हैं, लेकिन ये जीवन पा करके हमें क्या करनी चाहिए? भगवान राम समझाते हैं, बोले साधन धा मो मोक्ष
इसलिए श्री भगवान राम कहते हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म में जो भगवान कृपा कर मानव शरीर दिए, इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति कर सकते हो और किसी जीवन में भक्ति नहीं कर सकते। अगर ये जीवन पा करके संसार का था सारे काम कर लिया, खाए पिए सोए बाल बच्चे जन्म दिए, उनको बड़ा बनाया, लेकिन ये भगवान की तुमने भजन नहीं की, फिर क्या होगा? भगवान फिर ये मानव शरीर नहीं देंगे? बोले तुमने मानव शरीर पाकर किया क्या? बोलो, जैसे पशु पक्षी जो काम किया वही खा पी करके मर गया, और क्या किया? जा वही जानवर बन करके जाओ, मानव शरीर नहीं देगा तुमको दो बार पर। क्यों? तुमने पशु पक्षी जो काम करते खाते पीते मर जाते हैं, तुमने जिंदगी में यही किया, दो चार बच्चे दे दिया, बड़ा कर दिया, मर गया, और जीवन में क्या क्या किया? अरे भगवान ये मानव शरीर नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहती हैं, ये तभी ये मानव शरीर पाने का सार्थकता है, इसीलिए ये जीवन को इतने दुर्लभ जीवन बताए, इसी जीवन में भगवान की भक्ति कर सकते हो। अगर प्रभु की भक्ति नहीं किया, सारा दुनिया की काम किया ना, जीवन में कुछ भी मिलने वाले नहीं। अगर तुमने संसार का कोई भी काम नहीं किया लेकिन जीवन में प्रभु का भक्ति करके जीवन बिता दिया, बस जीवन धन्य है। बताओ हनुमान जी दिन भर करते क्या? शादी भी नहीं किया, घर गृहस्थी भी नहीं, कुछ भी नहीं हनुमान जी की, राम की सेवा करते हैं और राम के नाम लेते हैं, घर घर में पूजा होगा। मीरा ने क्या किया बोलो? वही तो सत्संग में जाती थी, कथा सुनती थी, इसको इको कम करो, सत्संग में जाती थी, कथा सुनती थी, भजन करती थी, परिवार वाले बिगड़ गए, परिवार वाले बिगड़ गए, बोले क्या दिन भर संतों को साथ में घूमती रहती, संतों संग में नाचती रहती, क्या सुख तिलक कटी बना के क्या कर रहे हो? उसका पति बिगड़ गए, उसको देवर बिगड़ गया, उसको सास ननद सब उसकी विरुद्ध हो गए। बताओ जगत में किसकी नाम हो रही है? मीरा का नाम हो रही है, क्योंकि उसने असली काम कर दिया है, जिसके लिए ये जीवन दिया था वो काम उसने किया है, इसलिए जगत में उसकी पूजा हो रही है, उसकी पूजा हो रही है। इसलिए कहते हैं अगर जीवन में प्रभु की भजन तुमने नहीं की, सारा दुनिया के काम तुमने कर दिया लेकिन भजन नहीं किया, तो लास्ट में कुछ भी तुम्हें गोल आलू मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगी तुमको। इसलिए क्या करो? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्मर्तव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जीवन में अभय पाना चाहते हो क्या करो? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, और सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है भगवान के नाम कीर्तन करो। सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग जो पीछे बैठे हैं, ये माइक की आवाज जा रही कि नहीं? नहीं ना भैया, क्या कौन क्या लगा कर रखा, इतने बक्सा सारा दुनिया के तुमने लगा दी, पीछे आवाज नहीं जा रही है? क्या चक्कर भैया? जाओ चेक कर, जाओ जाओ वहां जाकर चेक कर, मैं कथा बोलता हूँ। संसार को सृष्टि करना चाहते हैं, भगवान का नाभि कमल से ब्रह्मा जी जन्म हुए, चारी तरफ में उन्होंने पानी पानी देखा, बोले मेरी माता जी कोई उधर हो ना, ए श्रीकांत यहाँ का हाथों नहीं भी रखते पानी आशीर्वाद भी तो बन। इसलिए उनको ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, उन्होंने चारी तरफ में पानी पानी देखा, बोले मेरी सृष्टि कहाँ से हुई है? उनने कमल नार में 1000 साल तक उन्होंने अनुसंधान की लेकिन कोई था नहीं पाए। जब उन्होंने ऊपर में उठे फिर उन्होंने त और उपा उन्होंने दो अक्षर सुने, भगवान बोले तुम तपस्या करो, इसका थोड़ा इको कम कर दो, इसलिए तुम थोड़ा तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की, भगवान इनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, बोले ज्ञान में परम गुह्यम जद विज्ञान समर्पितम
सारहस्यं च तदगं च गृहाणं गदितं मया। बोले ब्रह्मा को उन्होंने बंसी ध्वनि को द्वारा उनको कानों में भगवान का नाम दिया, गोपाल मंत्र प्रदान की और ब्रह्मा जी श्री गोपाल मंत्र को पूजा करते हुए, गोपाल मंत्र को जप करते करते उन्होंने ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की है। अभी ब्रह्मा भगवान बोले ये सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्ण को सृष्टि की। माताएं आप लोग धीरे धीरे थोड़ा पास पास में बैठ जाओगे, शरीर में लग करके बैठो ना, क्या बीच बीच में खाली खाली रख दिए, एकदम सटक करके बैठे सबके सब, एकदम जो पीछे आए वो ठीक से बैठ सके। एक एक माताएं दो दो माताओं का स्थान घेर कर बैठे, इधर बैठो थोड़ी सी फैसला करके, हाँ इधर बैठो, ये माताएं तो तीन तीन माताओं का जगह ले लिया, तो इधर खिस्सा करो, हाँ भी बैठो, कोई जगह खाली मत छोड़ा करो, कोई जगह खाली छोड़ना नहीं, एकदम सृष्टि की। बोले भगवान का निर्देश है ये सृष्टि का क्रम कब बढ़ाओ। बोले पिताजी हम तो ये घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते, हम चाहते जीवन में प्रभु का भक्ति करते हुए जीवन को बिताए। बोले भगवान का आदेश है सृष्टि करो। बोले नहीं। बोले ठीक है अभिशाप देता हूँ, तुम जैसे जन्म हुए वैसे ही जिंदगी भर रहो। बोले पिताजी थोड़ी अभिशाप ही तो बर्दाश्त नहीं, घर का सारे दायित्व तो किसको पर मिले, बड़ों को पर मिले, बच्चे तो मस्ती से खेलते कूदते हैं, इसलिए इनका जीवन ही कृष्ण कथा ही इनका जीवन है। जब उनको ब्रह्मा जी को क्रोध आया तब उनको ललाट से श्री रुद्र श्री भोले बाबा जन्म हुए। शंकर जी को भी आदेश दिए, लेकिन शंकर जी जोगी जोगी महाजोगी, कहीं भी शंकर जी को देखना शंकर जी ध्यान में बैठे हुए रहते हैं। शंकर जी बोले पिताजी आदेश दे रहे हैं, अगर मैं आदेश नहीं पालन करूंगा फिर पिताजी बिगड़ जाएंगे। बोले ऐसे काम करो जो कि पिता अपने आप मना कर दे। उन्होंने सृष्टि तो की लेकिन सारे भूत पिशाचों को सृष्टि की। इसको देख करके ब्रह्मा बोले ये कोई सृष्टि थोड़ी है, तो दुनिया को संहार करना चाहते हो, ये कोई सृष्टि का थे, बैठे चुप, जरूरत नहीं सृष्टि करने की। शंकर तो खुश हो गए। फिर उन्होंने अपना परछाई से गर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर 10 बच्चों को, फिर अपना शरीर से बाम अंग से 70 डान अंग से मनु, फिर यही मनु महाराज से 3 बेटे हुए 2 बेटी, 3 बेटी 2 बेटे हुए, और यहीं से ही धीरे धीरे ये सृष्टि की प्रारंभ हुआ। इसलिए हम लोग मनु महाराज से हुए, इसलिए हम लोग को मानव कहलाते हैं। क्या कहते हैं? मानव कहते हैं। इसलिए यहाँ पर माता देवहूति की कथा आती है, तुम लोग क्या सुनाओगे? तुम कहते हो हाँ ध्रुव चलता एक ही कथा तुम, हाँ नृसिंह चलता बामन देव, ठीक है नृसिंह। इसलिए यहीं से ये सृष्टि के प्रारंभ हुई। अभी कहते यहाँ माता देवहूति की कथा आती है, कहते जिस समय श्री कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन देते हैं। बोले बेटा क्या भर मांगते हो? बोले आपके चरण में हमें भक्ति मिले, प्रेम मिले, आपकी सेवा मिले। बोले तथास्तु। बोले और कुछ चाहते हो? बोले आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम बढ़े, इसलिए ये सृष्टि तब मैं करूँगा, शादी करूँगा, लेकिन ये 2 शर्त है। बोले बोलो क्या चाहते हो? बोले आप अगर मेरे बेटे बन करके आओगे ना मैं शादी करूँगा। बताओ आप मेरे बेटे बनोगे? भगवान खुश हो गए। बोले ठीक है मैं तेरे बेटा बनूंगा। बोले दूसरी बार क्या? बोले तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो, संतान हो गए फिर हम भजन करने के लिए चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं हमें भी संसार में ज़्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए हमको। जब तक संतान हो गए शादीशुदा हो गया ना फिर टांग अड़ा करके नहीं रहनी चाहिए। इसलिए अंक देखो। बोले 50 को बाद में भागवत कहता है 50 ऊर्धे बनम ब्रजत, 50 साल को बाद में शास्त्र कहता है घर में मत रहा करो, वृंदावन जाकर भजन करो, क्योंकि ये जीवन दुर्लभ जीवन मिला है। 84 लाख जन्मों के बाद में ठाकुर बारंबार जन्म नहीं देंगे तुम्हें, अगर इसी जीवन में भजन किए अगले जीवन में फिर अच्छे घर में जन्म देंगे।
अगर सही सही भजन किया ना, फिर ठाकुर जी अपना चरण में स्थान दे देंगे, फिर ये दुनियादारी में तुमको भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए देखो अंक क्या कहता है, 50 के बाद में एका बन, बन बन शब्द आता है, चहु बन, ये बन बन शब्द आता है, मतलब घर में नहीं, वृंदावन जाओ। कहाँ जाओ? वृंदावन भजन करने के लिए जाओ। संसार में रहोगे, घर में बहू आएगी, पर चाबी लेकर लड़ाई झगड़ा करोगे फिर संसार में, हैं? फिर इसलिए लड़ाई झगड़ा होने से पहले भैया तुम घर संभालो और हम वृंदावन जाते हैं भजन करते हैं। इसलिए उन्होंने यही वरदान मांगे, तब तक रहूंगा जब तक घर में संतान नहीं हो जाए, बड़े नहीं हो जाए, हैं? बोले भगवान तथास्तु बोल दिए। अभी कर्दम ऋषि को साथ में देवती की शादी हो गई। अभी जब शादी को बाद में फिर कर्दम ऋषि भजन में बैठी गए। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी के लिए पति ही परमात्मा है, पति की सेवा करनी चाहिए। अभी पति भोजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी भोजन नहीं कर रहे हैं। पति स्नान नहीं कर रही, ये भी स्नान नहीं कर रहे। पति भजन में बैठे ना, उसने अपना पति की, उन्होंने तन मन से पति की उसने सेवा की 10,000 साल तक। जब आँख खुली, पति भोजन नहीं कर रही, ये कैसे भोजन करेगी? ये धीरे 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 एकदम शरीर दुबली पतली हो गई, एकदम जटाजुट बनी गई, कि स्नान नहीं करती है, कंघी नहीं लगाती, क्या होगा तेल नहीं लगाती, एकदम जटाजुट बन गई। देखो अगर कोई पति अगर सचमुच से भक्ति करने वाले हो, पति व्रता हो, पति अगर सही सही हो, अगर पत्नी अगर उसको सेवा करती है, इसका देखो कितनी महत्व है। जब उनकी आँख खुली, सामने के बुढ़िया को देखी, उसने पहचान नहीं पाई, बोले तू कौन हो? बोले अपने सब कभी शादी किया आपकी याद है? वो भूल गए अपने कभी शादी की। बोले ओ तू वही देवती, और इतने सुंदर थी ना, उनका 3 बेटी आकुति देहूति प्रसूति। जब ये 3 बेटियां आंगन में खेलती थी, स्वर्ग की देवता भी जिनकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो जाते थे। बोले इतनी सुंदरी थी, लेकिन ये पति सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी हो गई। बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले भगवान से क्या वर मांगे थे? अगर आप हमारी बेटा बनकर के आओगे शादी करूंगा, यही तो वर मांगे थे ना। बोले हाँ। बोले ठाकुर तो बेटे बन करके नहीं आए। देखो पहले कितने साधन की कितने शक्ति थी। इसने कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया, विमान समझती हो, एक एरोप्लेन बनाया, कितने क्रोश तक, सुंदर राजमहल, सुंदर सरोवर जिसमें सुंदर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, 4 तरह का कमल फूल खिले हुए, बेली चमेली जुई मालती केतकी, सुंदर सुंदर जहाँ फूल खिला हुआ है, हैं? जहाँ पर कोयले कुहूकती हैं, मयूर केका करती हैं, कहते तो वो एरोप्लेन में बैठो ना, कभी ठंडा नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी, और जिसमें बैठोगे तो बूढ़ा कभी बूढ़ी नहीं बनेगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, जिसमें बैठने पर तुम कभी भूख नहीं लगेगी। ऐसे उन्होंने एरोप्लेन बनाया, विमान बनाया, और उसमें बैठ करके उन्होंने आकाश में भ्रमण करते रहे। उनकी बड़ी सुंदर सुंदर ना तो बेटी हुई। बोले देवती अभी तो खुश हो गई ना, ना बेटी और। बोले नहीं बेटियाँ तो शादी करके अपना अपना ससुर घर चली जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी, बेटा तो है ही नहीं। फिर उन्होंने अपना पति की सेवा की, तो ठाकुर जी ने आशीर्वाद करके भगवान स्वयं बेटा बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की। लेकिन ठाकुर जी को बोले थे तब तक रहूँगा जब तक संतान नहीं हो जाए। अभी वो भजन करने के लिए जाना चाहते, लेकिन एक नियम है। क्या नियम है? अगर तुम्हारी घर में बेटियां हुई ना, पिता माता का पहला कर्तव्य किया, सर्वप्रथम कर्तव्य है बेटियों को शादी दो, ये सबसे पहला कर्तव्य है। अगर कितने बेटियां थी, 9-9 बेटियां थी। आप लोग कभी बेटियों को शादी करवाया कभी? कौन कौन बेटियों को शादी करवाया, हाथ उठाओ तो। आप देखना एक बेटी को शादी करो ना, घर खाली हो जाएगी। लेकिन जिनकी घर में 9-9 बेटी होगी, बताओ कितने कठिन होगा। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर प्रभु का कोई भक्ति करे, भगवान की भजन करना चाहे ना, भक्ति करना चाहे, कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटों को साथ में मिलने के लिए आए कर्दम ऋषि से, और इनकी 9 बेटी, इनकी 9 बेटे। बोले वाह जोड़ी तो बड़ी अच्छी है, शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर दो।
हैं, बेटियों के साथ ही जल्दी जल्दी बेटियों को विदाई दे देनी चाहिए, एक साथ में 9 बेटी विदाई, घर में खाली हो गए। खैर इन्होंने भजन करने के लिए श्री कर्दम ऋषि चले गए। तो यहाँ प्रश्न होता है, भैया किसको भजन के लिए जा रहे हो? बोले भगवान को। बोले भगवान तो तुम्हारे घर में ही है, तो फिर जंगल में क्यों जा रहे हो? यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक भगवान की भजन नहीं करोगे ना, साधन नहीं करोगे, तब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा। जब तक प्रेम हृदय में नहीं होगा, भगवान ने मिलने पर भी तुम्हारी कोई लाभ होने वाले नहीं। जैसे रावण भी राम से मिले, कंस भी कृष्ण से मिले, लेकिन इनका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में कोई प्रेम नहीं है। इसलिए घर में रहते हुए अभी भजन के लिए चले गए। अभी माँ और बेटा है, माँ को पता मेरा बेटा भगवान है। एक दिन माँ आ करके हाथ जोड़ करके कहती, बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ। स्त्रियों का देखना, संसार का ज़्यादा चिंता किसके है? पुरुष लोग तो पैसा कमा करके ले आए, इसको दे देते, पत्नी को दे देती हैं। घर घर किसने चलाती है बोलो? कौन चलाती है घर? माताएं चलाती घर, चलाती भी नहीं है, कैसे घर चलेगा? घर का ज़्यादा चिंता देखना ये माताओं की रहती है। इसलिए अभी बोले मेरी मन कभी अपना पीहर में, कभी ससुर घर में, कभी बच्चों में, कभी पति में, ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए तू तो भगवान हो, मेरे को कुछ ज्ञान की बात बता, जैसे संसार से पार हो जाएंगे। देखो भगवान अपना माँ को उद्देश्य करके ये सब ज्ञान की बात बताते हैं। अगर हम भी ये बात को मानेंगे ना, हमारी भी बेड़ा पार हो जाएगी। भगवान कहते माँ, बोले मन एव मनुष्यानाम बंधन मुख्य एव च, कहते जो मन ही मूल है। जैसे मन ने कहा, देखो भागवत कथा हो रही है, श्री सुखबीर प्रभु का घर में भागवत कथा हो रही, चलो कथा सुनने जाएंगे, तभी तो कथा सुनने आए। अगर मन बोलता अरे कथा सुन कर क्या होगा, बहुत सुन लिए, टीवी खोल कर बैठो ना, आज बढ़िया सीरियल आने वाले हैं, बैठो। अरे मन क्या करेगा ना, और टीवी खोल कर बैठ जाएगा। इसलिए कहते भैया ये मन को पहले ठीक करो। लेकिन ये मन ठीक कैसे होगा? बोले मैया ये मन को भगवान की चरण में लगाओगे ना, ये मन मुक्ति की कारण बनेगी। अगर ये मन को विषय में लगाओ तो बंधन का कारण बनेगी। इसलिए ये मन को मनमोहने में लगा लो। बोले भैया तुम तो बोल दिया मनमोहने में लगा दो, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूँ? ये तो मन तो बड़ा चंचल है। बोले मैया ये चंचल मन को शांत करने के लिए एक उपाय है, बोले संतों का संग करो। अगर तुम संतों का संग करोगे ना, भगवान की कथा अगर तुम सुनोगे संतों की संग में, ये मन धीरे 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 ठाकुर के चरण में लग जाएगा। क्योंकि संतों के संग में करने से क्या होगा, भगवान की कथा सुनोगे, भगवान की महिमा सुनोगे, भगवान की सुंदर सुंदर चरित्र सुनोगे, जैसे सुनोगे तो वैसे करोगे ना। इसलिए कहते संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। Thank you.
जैसे पता चल जाए संत, देखो ध्यान देखो उसमें संत मतलब ये समझो, जैसे हम लोग ये कपड़ा पहन लिए ना,
आप लोग तो यही संत है, हम थोड़ी संत नहीं। जो जहाँ पर रह करके भजन करते हैं, भागवत में देखो जिनकी कथा सुन रहे हैं ना, ये कोई त्यागी संत नहीं है। कर्दम ऋषि शादी किए थे कि नहीं? शादी किए नहीं। ध्रुव महाराज शादी किए थे कि नहीं? प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे कि नहीं? अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे कि नहीं? गोपियाँ घर में थी कि नहीं? ये संत मतलब ये मत समझो कि जो भगवा कपड़ा पहन दिया वही संत नहीं। जो जहाँ पर रह करके भजन करता है ना वही संत है। अगर तुम घर में रह करके भगवान की भक्ति पूजा करते हो, कोई अगर ये कपड़े लेकर के भक्ति नहीं करता वो संत नहीं है। अगर तुम घर में भक्ति करते हो तुम ही संत हो। पांडव बताओ कृष्ण का कितने बड़े संत थे, कितने बड़े भक्त थे भगवान की। ये तो गृहस्थ थे, द्रौपदी का द्रौपदी कौन थी, कृष्ण अर्जुन कहाँ पर थे, घर में थे ना। हाँ देखो यहाँ पर कहते हैं भैया संतों का कुछ तो लक्षण बता दो, मतलब हम भक्ति करें तो हमें क्या गुण होनी चाहिए। बोले तिथि सब कारुणिक सुहृद सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधु साधु भूषण। कहते संतों का पहला लक्षण है सहन करना। अच्छे तरह से सुनो क्या करना है, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। बोले एक घर में बहू थी, जब से घर में शादी कर आई तब से घर में लड़ाई कर रहा, घर में शांति सुख रही है, वो एक सुनाए तो बहू, दो सुनाए बहू, सुना तो सास, चार सुनाए घर में तो महावार, तो घर में कोई शांति नहीं। तब उन्होंने एक संतों को पास में गए, बोले बाबा जब से शादी किया तब से लड़ाई झगड़ा, घर में शांति सुख नहीं है। इतने बोले देखो मैं तुमको एक दवा देता हूँ, एक दवा देता हूँ, अगर इसको ठीक ठीक से लोगे ना एक महीना में घर का जितने चाबी काठी घर का और जितने सब तुम्हारी पर आ जाएगा तारीख को पूरा अनुकूल बन जाएगा। बोले कैसे, बोले तुमको एक पाउडर देता हूँ, जिस समय तुम्हारी कोई थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगा ना उसको मुंह में डाल देना, इतना ही कर देना बस सब शांत हो जाएगा, घर का चाबी काठी मालिका ने तो बन जाओगे घर की। तब उन्होंने बोले ठीक है। तब उन्होंने जब जब झगड़ा हुई ना बस मुंह में थोड़ा को पाउडर डाल के बस मुंह बंद, सांस दो चार पांच बात बताए लेकिन बहू उतर नहीं दे। झगड़ा कब होता है बोले, जब सांस एक बोले बहू दो बोलते, बहू दो बोले सांस चार बोलते, तब तो घर में लड़ाई होता है। अगर घर में अगर बहू बात ही नहीं करे मुंह बंद करे तो क्या हो गया, झगड़ा होगी नहीं घर में, कभी बात नहीं करती। बहू बोली पहले तो ये बहू अपना घर में बोलती थी, बोले सास पिसाची, ससुर वो डाकू, और ननद वो तो साक्षात थे हैं, वो तो भूत पिसाच, ऐसे गाली देती थी। लेकिन इसने जब मुंह में पाउडर डाल देती ना वो तो मुंह से बात नहीं निकले। सास बोली इसको क्या हो गया, तो देवी बनी गई, ये तो कुछ बोलती नहीं, ये तो कुछ बोल नहीं रही, ये तो चुप रहती है। बस इतने खुश हो गई सास, बोले भैया लगता है हमारा बहुत पूरा बदले गई। तब से क्या हुई, घर का जितने चाबी काटी ना, जैसे दूध का पैसा देना पड़ता था सास रखती थी पहले, पहले सब्जी का पैसा सास रखती थी, लेकिन जब देखा बहू कुछ बोलती नहीं सारे धीरे धीरे घर का चाबी काटी धीरे धीरे किसको देना शुरू कर दिया, बहू को। बोले मेरे बहुत अच्छी हो गई, कहते ये बोलते वो बोल रहे थे एक महीना में सही, दस दिन में सही हो गई, दस दिन में सही हो गई, सबके घर का झगड़ा पगड़ा सारे घर की खत्म हो गई, कोई घर में झगड़ा नहीं होती है। जितना चाबी काटी के लिए किस लिए लड़ाई होती है, बहू चाहती घर का चाबी काटी मुझे मिले, साफ तक नहीं अभी तक मैंने देखा तुमने कैसे चाबी ले लोगे, हैं 100 ग्राम की लोहे के लिए सारे झगड़ा कर सकते, 100 ग्राम की लोहे के लिए सब जितने झगड़ा, उसको बाद में इतनी शांति। उन्होंने मेरे बाबा को पास में बोले बाबा आपने क्या दवा दिया, घर का सारे देखभाल चाबी तक तो मेरे पास में आ गई, आपने ऐसे क्या दवा दिया। बोले कोई दवा ववा नहीं था, केवल थोड़ा पाउडर था, मतलब झगड़ा होता है ये जीवा से, तुम बोलती थी इसलिए झगड़ा होते, अभी तो चुप हो गई झगड़ा सब खत्म। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया अगर भक्ति भक्ति जगत में भी भक्ति करना चाहते हो ना पहले सहन करना सीखो। इसलिए जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए संतों का पहला लक्षण है सहनशीलता, है सहनशीलता। इसलिए दूसरा लक्षण दयालु, तीसरा लक्षण वसुंधैव कुटुंबकम,
संत सोचते हैं संपूर्ण पृथ्वी हम एक परिवार के, हमारी एक पिता है त्वमेव माता च, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च, सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याम द्रविण, त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सबको ये अपना एक परिवार मानते हैं, इसलिए उन्होंने संतों की बहुत लक्षण बताई, लेकिन उन्होंने एक विशेष लक्षण बताया। अच्छा तरह से सुनो, ध्यान लगा कर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। कहते उनका एक विशेष लक्षण क्या है, बोले मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्बंती जय दृढ़। कहते जो भगवान की भक्ति एक अनिष्ट भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति नहीं। जैसे देखो माताएं कोई बात मत करो पीछे जो बैठे हो, इसलिए जैसे हम लोग सोमवार होते हैं किसके मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए, भोले बाबा, और वहाँ पर भोले बाबा को बम बम भोले बाबा बोल करके पानी चढ़ाएंगे, बोले भोले बाबा आप ही जीवन का सब कुछ है, तन मन धन तेरे चरण में। लेकिन जब मंगलवार आता है ना, भोले बाबा का तरफ में देखेंगे नहीं, वो सीधा हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। जो बात शंकर जी को बोल रहे थे वही बात करेंगे। शंकर जी देखेंगे तो कल मेरे पास में आया था, बोले तेरे चरण में सब कुछ है तन मन धन, आज तो ये मेरे तरफ में देखा भी नहीं। कहते सीधा हनुमान को पास में, मेरे पास में जो बोल रहा था वही हनुमान को पास में बोलता है। लेकिन जो बुधवार आते हैं ना, कहाँ जाते हैं, श्री गणेश जी के मंदिर में। आप देखना अलग अलग दिन अलग 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 पास में जाते हैं। भैया देवता क्या बेवकूफ नहीं जानते हैं? कहते भैया ये भक्ति भक्ति नहीं है, दूसरा सबको धोखे दे रहे हो, हनुमान को भी धोखे दे रहे हो, गणेश जी को भी धोते, शंकर जी सब धोखे देते हो। आज बोलोगे तन मन धन तेरे, कल क्या शंकर जी तन मन नहीं है धन तुम्हारे चरण में नहीं। भक्ति ऐसे नहीं होता है, भक्ति होता है ठाकुर जी कहते हैं, कहते एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। जो एक को तन मन से एक अनिष्ट होकर के जो एक को साधन करता है, बताओ हनुमान जी किसके भक्त थे, राम की। तुलसीदास जी किसकी भक्त थे, राम की। गोपियां किसकी भक्ति करती थी, कृष्ण को। सूरदास जी किसको भक्ति करते थे, कृष्ण को। आप देखना जो भक्ति किए ना, वो सबके भक्ति ने एक को एकनिष्ठ होकर भक्ति किया, तभी तो जाकर के भगवान को प्राप्त किए ना। जैसे कोई बच्चा स्कूल पढ़ता है, जो इंजीनियरिंग करता है वो एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ता है, जो सीए करता है एक सब्जेक्ट को, जो डॉक्टरी करता है वो एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ता है, तभी तो सक्सेसफुल होता है। जो इधर 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 उधर फेल हो जाओगे। देखो एक समय एक मुसलमान एक हिंदू में लड़ाई हो गई, मुसलमान बोला मेरा अल्लाह बढ़ा और हिंदू बोला मेरा भगवान बढ़े। बोले किसका भगवान बड़े पता चलेगा, चलो एक पेड़ के ऊपर में जा करके जो वहां से अपना देवता का नाम लेकर छलांग लगाएंगे, जो बच जाएगा पता चलेगा भाई उसके ही ठाकुर बड़ा है। मुसलमान चढ़ा, वो तो एक अल्लाह को पूजा करता है। बोले हे अल्लाह अगर तू सच्चा है, तेरे नाम को लेकर के मैं छलांग लगाता हूँ तुम्हें लाज बचाना। वो छलांग लगा तुझे कुछ नहीं हुआ, हिंदू वो भी गया, लेकिन इसको तो एक इष्ट है ही नहीं, तेरे सारा दुनिया को इधर उधर सबको पूजा करता है। पहले बोले हे गणेश बाबा तुम तो विघ्न विनाशन करने वाले हो, तेरे नाम को लेकर के मैं यहाँ से कूद रहा हूँ, मेरे को लाज बचाना। इतने में गणेश जी आने के लिए तैयारी बैठे हुए थे, इतने में फिर बोले भैया इसको मैया को थोड़ा क्यों याद नहीं करते। बोले हे माता जी मेरे लाज बचना तेरे नाम लेकर कूद रहा हूँ। गणेश जी बोले भैया मेरे जाने के लिए तैयारी था तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं, वो चले भाग गए वहाँ से। अरे माता जी को बुलाए, चलो बोले भोले बाबा को थोड़ा क्यों नहीं बुलाए। बोले हे भोले बाबा बम बम भोले बाबा तुम लाज बचा। एक एक करके सबको नाम बुला कर गए, आए और सबको चले गए, सब लाश में कूदा ना हाथ पैर टूट गए। इसलिए अगर एक निष्ठ होकर के भक्ति नहीं करोगे ना, ये भगवान खुद कहते हैं, एक निष्ठ होकर भक्ति नहीं करोगे तुमको कोई बचाने के लिए नहीं आएंगे। एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। जैसे देखो उदाहरण है, जैसे एक लड़की जब घर में शादी करके आती है ना, हाँ उसका जेठ भी है, ननद भी है, सास भी है, ससुर भी है, सबको सम्मान देती है, लेकिन हृदय में किसको बैठा कर रखती है, बताओ हृदय में किसको बैठा कर रखते हो, अपना पति।
और दूसरे को स्थान नहीं देते हैं। अगर किसी कारण से घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो किसको लेकर अलग हो जाते हो? किसको लेकर होते हो? अपना पति को लेकर अलग हो जाती है। इसलिए मन और किसको नहीं देती? पति को देती है। भक्ति भी ऐसे होनी चाहिए। भगवान खुद कह रहे भक्ति अनन्य भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति फल नहीं देने वाले। इसलिए लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को भक्ति करो भगवान को, जो कहते ना एक को भजन करे तो सबका भजन हो जाए। वो कौन है? बोले ये वाक्य बिहारी। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया। हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ। अच्छे तरह से दिमाग में बैठा हो तुम लोग, कहते जिसको तू शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे में। भगवान विराट रूप देखा नहीं ठाकुर जी ने? बोले शंकर देखो मेरे में। जिसको माँ देवी कहते हो देखो वो देवी मेरे में ही है। जिसको तू हनुमान कहते हो अर्जुन देखो हनुमान मेरे में। जिसको तू गणेश कहते हो देखो वो गणेश मेरे अंदर में गणेश है। जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो अर्जुन देखो ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान। हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरे को छोड़ करके दुनिया। इसलिए कृष्ण लास्ट में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन तू सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। आप बोलोगे इतने दिन से हम अमुक देवी को अमुक देवता को पूजा करता था पाप नहीं लगेगा? कृष्ण देखो कितने बड़ी बात कहते हैं। बोले अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। जैसे समझो अभी हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोलो प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी है। ये मोदी ने ही सबको एक अलग अलग नौकरी दिया। किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको वायु मंत्री बना दिया, किसको उन्होंने अर्थ मंत्री बना दिया, किसको उन्होंने विद्या मंत्री बना दिया। उसने सबको एक एक पोस्ट दिया है। किसने दिया है? किसने ये नौकरी दी है? मोदी ने दिया। अगर कोई व्यक्ति मोदी की शरण में आ गया ना, क्या होगा? जब उसको पता चलेगा भैया ये मोदी की अमित शाह जैसे इसकी डाण आ गई है, अमित शाह जैसे, बोले भैया ये तो मोदी का आदमी, इसको पीछे मत पड़ो नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसलिए जितने 33 करोड़ देवता है ना, ये भगवान कृष्ण ही सबको एक एक पोस्ट दिए, ये सब नौकरी दे कर रहे। जब कोई व्यक्ति कृष्ण शरण में आ जाते हैं, इसलिए हिंदी में कहावत सुने होंगे, जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में बांके बिहारी की कृपा हो जाएगी उसको ऊपर में सबके सब कृपा करते हैं। इसलिए यहाँ ठाकुर जी कहते भक्ति एक अनिष्ट भक्ति कर सबको सम्मान दो, किसको अनादर नहीं करनी चाहिए। शंकर जी को प्रणाम करो, उनसे भक्ति मांगो, जब वैष्णवी देवी जी माता जी इनसे भक्ति मांगो, हनुमान जी भगवान के प्यारे भक्त उनको प्रेम भक्ति मांगो, गणेश भगवान की भक्त है इनको भगवान की प्रेम भक्ति मांगो। लेकिन जो हृदय में है ना बस अकेले, इसलिए मीरा कहती है ना मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसको बाद में बोलो मेरे तो गिरिधर गोपाला उसको बाद में, हाँ भक्ति इसको कहते हैं। इसलिए भगवान भक्ति की लक्षण बताए। इसलिए भगवान अपना माँ को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताए। बोले माँ भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है कत जगत में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भले ही तुम जितने बड़े कुल में जन्म क्यों नहीं हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हो तुम्हारी दो कौड़ी का भी कोई दाम नहीं है। बताओ हनुमान जी कौन सा जाति में जन्म लिया? बंदर घर, बंदर जाति में। सुग्रीव बंदर कुल में, भूहोगर चंडाल जाति में, गरुड़ गृध घर में कुल में, काग भूसुम की कौ एक जाति में। लेकिन देखो प्रभु की भक्ति करते तो दुनिया में उनकी पूजा हो रही है। विभीषण राक्षस कुल में, लेकिन भगवान की भक्त है सारा दुनिया में इनकी जय जयकार होती है। भगवान कहते माँ मैं नहीं, जीवन में भगवान की भजन करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करो जीवन में। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान अपना माँ को बड़ी सुंदर सुंदर तत्व ज्ञान की बात बताए।
मैया तो ज्ञान की बात सुन करके इतने प्रेम में विभोर हो गई, शरीर में कपड़ा है कि नहीं ये भी उद्भुत नहीं रही, टाटी पेशाब कर रही है, लेकिन प्रभु को प्रेम में उन्माद होकर के जा रही थी। और भगवान ये ज्ञान दे करके गंगा सागर चले गए। अभी गंगा सागर में साल में केवल मकर संक्रांति का दिन जो जाते हैं गंगा सागर में वो पानी अपने आप नीचे आ जाते हैं, फिर साल में एक बार ठाकुर का दर्शन होता है। आप लोग गंगा सागर गए हो? कौन कौन गंगा सागर में? हाँ बहुत माताएं गई, लेकिन आप लोग नवद्वीप परिक्रमा में जाती है ना, देखो जब ये नवद्वीप होली आती है ना, जैसे ये ब्रजमंडल परिक्रमा होता है वो नवद्वीप धाम का भी परिक्रमा होती है। शंकर जी कहते पार्वती ये नवद्वीप धाम परिक्रमा की इतने महत्व है, जो एक बार श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा करनी बोले करोड़ों करोड़ों बार अगर कोई तीर्थ में जाओ जो पुण्य मिलेगी, एक बार नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने का उससे ज्यादा पुण्य मिलेगी। इसलिए जो लोग जो हाथ उठाए थे ना दिख रहे थे, ये सबके सब नवद्वीप परिक्रमा में गए हैं। इसलिए ये लोग वहाँ पर जब नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गंगा सागर की दर्शन हो जाता है। इसलिए कहते ना सारे तीर्थ बार गंगा, सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार। बताओ कौन जाना चाहते हैं हाथ उठाओ, सबको अगली बार ले जाएंगे सबके सब गंगा सागर में। हाँ अगली बार सबके सब आपको हम गंगा सागर ले जाएंगे, महाप्रभु का धाम में ले जाएंगे, नवद्वीप परिक्रमा लगता है वहाँ पर, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अभी अपने जो कथा सुनी है, किसकी कथा सुनी? माता देहूती की कथा सुनी है। अभी श्री मनु महाराज के दो बेटे थे, एक का नाम उत्थानपाद, एक का नाम प्रियव्रत है। कहते जी उत्थानपाद थे, कहते इनकी दो रानियां थी। कितने रानियां थी? एक सुरुचि और एक सुनती है। अभी ये कथा को हमारे बीच में हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु आपको ये कथा सुनाएंगे, ये ध्रुव महाराज ने कैसे भगवान की भक्ति करके खड़े हो जाए। पिछले 6 महीना में उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया, अभी हमारे ये प्रभु जी आपको ये कथा सुनाएंगे। बोले श्री ध्रुव महाराज की, बोले श्री उत्थान पाद की जय। जय श्री राधे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। एक बार माता है थोड़ा आगे आगे सज जाओ, सब लोग थोड़ा आगे आगे आ जाओ, पीछे पीछे भक्त लोग बैठ जाए ठीक से। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त भागवत कथा श्रोत मंडली माताएं प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का क्रम आरंभ किया उस समय पर मनु महाराज और मनु महाराज से उनकी 5 संतान हुई। अभी हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार देवहूति आकुति और प्रसूति 3 बेटियां और 2 बेटे प्रियव्रत और उत्थानपाद। ये उत्थानपाद राजा, इनकी 2 रानियां हुई सुरुचि और सुनीति। कहते हैं सुरुचि का अर्थ क्या हुआ, अर्थात स्वस्य रुचि इति सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। शास्त्रों की बातें क्या है, शास्त्रों में क्या कर्म है क्या अकर्म है क्या विकर्म है, उसको विचार ना करके जो मन में आया जैसी रुचि हुई उसी के अनुरूप जो लोग कार्य करते हैं वो हुआ सुरुचि। और सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति अर्थात जो सुंदर नीति, जो श्रेष्ठ नीति है। आप देखोगे इस जगत में कई सारी नीतियाँ प्रसिद्ध है, चाणक्य नीति,
कूटनीति, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति बतलाते हैं विदुर जी, विदुर नीति। इसलिए हमने श्रवण किया करेंगे आगे किस प्रकार जब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने गए कि तुम इस पुत्र मोह के कारण इतना बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध मत होने दो, तुम एक धर्मनिरपेक्ष राजा होके और डिसीजन लो। उस समय पर विदुर जी के समझाने पर भी धृतराष्ट्र नहीं माना, और दुर्योधन ने जब ये बात सुनी बड़ा क्रोधित हुआ, बोले जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, हम तुम्हें अन्न भोजन इत्यादि प्रदान करते हैं और तुम हमारे ही विपक्ष में पांडवों का पक्ष लेकर और मेरे पिताजी को ही भड़का रहे हो। उसने कहा अगर तुम हमारे चाचा जी नहीं होते ना तुम्हारी गर्दन ही काट देते। जब ऐसी बात विदुर जी ने श्रवण करी तो उसी समय पर सारा राज्य वेश त्याग करके हथियार इत्यादि सब देकर और वन में चले गए। इसलिए विदुर जी की सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति है। विदुर जी के यहाँ ही तो ठाकुर जी साग ग्रहण किए ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो सुनीति का यहाँ पर अर्थ बतलाते हुए कह रहे हैं जो श्रेष्ठ नीति का अवलंबन करे। अभी सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम और सुनीति के पुत्र हुए श्री ध्रुव महाराज। एक समय पर उत्थानपाद राजा अपने पुत्र, इसका मतलब क्या है, कहते हैं सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। अभी यहाँ कह रहे हैं यदि कोई मनमाने ढंग से चले तो उसका परिणाम उत्तम कैसे हो सकता है। हम आगे जाके श्रवण करेंगे किस प्रकार जब ध्रुव महाराज उत्तम जी जंगल में गए तो यक्ष के द्वारा मारे गए, उनकी मृत्यु हुई, और उनकी माँ भी जब उन्हें खोजते खोजते गई तो वो भी जल के और भस्म हो गई। दोनों माता और पुत्र की ऐसी दुर्गति हुई, क्यों? क्योंकि उन्होंने सुनीति का अवलंबन किया। लेकिन जो सुरुचि जो सुनीति है, सुनीति ने क्या किया, सुनीति का पुत्र हुए ध्रुव महाराज, ध्रुव अर्थात अटल। तो उन्होंने बाद में भगवान की तपस्या करके और सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किया, ध्रुव लोक को प्राप्त किया। भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए, उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो इसलिए कहते हैं हमारे लिए अवलंबन करने की नीति यदि है तो क्या है, सुनीति। कहते हैं एक समय पर उत्थानपात राजा अपने पुत्र उत्तम के साथ में राज सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही ध्रुव ने ये चीज देखी उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में जाकर खेलूं, मैं भी पिता से वात्सल्य रस का आस्वादन करूं। तो उन्होंने इस इच्छा को प्रकट करते हुए जैसे ही राज सिंहासन पर जाने लगे वहां पर सुरुचि थी। सुरुचि बड़े क्रोधित होकर कहने लगी, बोले ए मूर्ख बालक, तेरा इतना दुस्साहस, तू भले ही राजपुत्र होगा, राजा की संतान तो भले ही हो सकता है, लेकिन उनकी गोद में खेलने का अधिकार तुझे इस जीवन में प्राप्त नहीं होगा। यदि तू भगवान का भजन कर, यदि तू सच में राजा की गोद में बैठना चाहता है, जा भगवान का भजन कर, भगवान जब प्रकट होंगे तो उनसे वर मांगना, और जब तेरा मेरी कोख से जन्म होगा तभी जाकर तू राजा की गोद में खेल पाएगा। ध्रुव महाराज तो 5 साल के बालक बुद्धि, उन्होंने माँ के ये इतने कटु वचन सुन के और बड़े दुखी हो गए। वहां पर उनका मुख पूरा सूख गया, रोते रोते क्रंदन करते करते और अपनी माँ सुनीति के पास में आए हैं। कहते हैं एक सांप को, एक विषधर सांप को जिस प्रकार लाठी से मार देते हैं और उस समय पर वो क्रोध में जैसे फुत्कारता है, दीर्घ श्वास लेता है, ध्रुव महाराज की भी ऐसी ही अवस्था थी। रोते रोते जब अपनी माँ के पास में आए तो माँ ने प्रश्न किया, बेटा तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तुम क्यों इतने क्रंदन कर रहे हो। ध्रुव महाराज तो रोते रोने का कारण कह नहीं पाए, लेकिन वहां पर अंतपुर की कुछ दासियां थी, उन्होंने सारा वृत्तांत कह दिया। सुनीति वहां पर ये बात सुन के बड़ी दुखी हो गई। एक हरी भरी लता जिस प्रकार आग में झुलस जाती है, माता सुनीति का भी मुख इसी प्रकार झुलस गया, बड़ी दुखी हुई और कहने लगी कि देखो तुम्हारी विमाता ने, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो वचन कहे हैं बहुत ठीक ही कहे हैं। बोले माँ तुम कैसी बात कर रही हो, उसने मुझे अभागन का पुत्र कहा, उसने कहा तुम अभागन हो। सुनीति कहती कि मैं कब अपने आप को सौभाग्यमान मानती हूँ, उसने तुम्हें एक जो सर्वश्रेष्ठ बात कही है तुम मत्सरता त्याग करके और उसी को समझो। उसने तुमसे क्या कहा कि भगवान का भजन करो। सुनीति माता कहती है कि तुम्हारी विमाता ने 2 बात कही, एक बात अच्छी और एक बात बुरी, क्या? उसने कहा कि भगवान का भजन करो। बोले ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है, क्योंकि कब तक ये पिता रहेगा, कब तक ये पिता का राज्य रहेगा। अगर तुम बैठना चाहते हो तो भगवान की गोद में बैठो, जहाँ पर तुम्हें जो नित्य है, जो शाश्वत है। और एक बुरी बात क्या कही, वो कहती है कि भगवान का भजन करने के बाद में भी तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा।
ये तो मानो भक्त और भगवान दोनों का ही अनादर है। क्यों? क्योंकि तपस्या करेंगे, तपस्या करने पर भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा तो उनसे ये वर मांगना कि मैं माँ के सुरीति के गर्भ से जन्म लूं, अर्थात मेरा गर्भ भगवत दर्शन से भी ऊपर है। तो इसीलिए सुनीति यहाँ पुत्र को समझाती है कि देखो तुम्हारी माँ ने एकदम सत्य वचन कहे हैं, तुम जाकर भगवान का भजन करो। ध्रुव जी प्रश्न करने लगे, माँ वो भगवान है कहाँ, वो कैसे हैं? तब सुनीति माँ भगवान का परिचय देते हुए कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहते हैं भगवान तो सब जगह विराजमान है, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो बात बतलाई है, आराध्य भगवान पद्म पलाश लोचना, उन्होंने भगवान अधोक्षज का भजन करने की तुम्हें शिक्षा दी, और वो हरि तो सर्वत्र विराजमान है, तुम वन की ओर गमन करो। और एक बात यहाँ पर सुनीति माँ ध्रुव को पहले बड़े समझाने की भी चेष्टा करती है कि देखो पूर्व कर्मों के अनुसार जो तुम्हें फल प्राप्त हुआ है, जो माँ ने तुम्हें इतना शासन किया, उसे स्वीकार कर लो, अपनी मत्सरिता को त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही हरि भजन का उपदेश सुना, ध्रुव महाराज बड़े ही उत्साहित हो गए। बड़े उत्साहित होकर जब वन की ओर गमन कर रहे हैं, उसी समय पर वहां पर नारद जी आकाश मार्ग से देख रहे थे, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। धन्य है ये क्षत्रिय कुल का गौरव, धन्य है ये क्षत्रिय खून, क्योंकि 5 साल का बालक जिसको अभी क्या सम्मान क्या असम्मान ये ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी कुमाता के कटु वचन सुन के और भगवत भजन करने के लिए चल गया। अरे बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि जिन भगवान को ध्यान करते हैं, अनेक अनेक सालों तक तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते, उसको ये 5 साल का बालक इतनी कम उम्र में और भगवत भजन करने। नारद जी भी वहां पर वीणा बजाते बजाते प्रकट हो गए, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा विचार करने लगे हैं, पहले इसकी जरा परीक्षा ले दूं, वैराग्य किस स्तर का है जरा थोड़ा माप लूं। साधारण तौर पे सभी लोगों का वैराग्य मरकट वैराग्य ही होता है, घर में थोड़ी सी खटपट हुई और चलो घर गृहस्थी पूरा जंजाल है छोड़ के हम मठ में चले जाते हैं, वन में रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, है ना। शमशान में यदि किसी को लेकर जाते हैं ना, जब किसी को जलते हुए देखते हैं बड़ा दुखी होते हैं, बोले देखो पूरे जीवन भर जो कमाया धमाया सब यही रह गया, साथ में कुछ भी नहीं गया, एकमात्र भगवान का भजन ही साथ में जाता है। लेकिन जैसे ही वापस घर में आए, बच्चों की तोतली तोतली आवाज सुनी, अरे कुछ नहीं होता, थोड़े दौर और संसार में रह लो। तो ये मरकट वैराग्य है ना, सचमुच में युक्त वैराग्य जागृत हुआ है। नारद जी इसी की परीक्षा करने के लिए ध्रुव महाराज से कहने लगे, बोले तुम 5 साल के बालक हो, अरे माता के वचन से इतने दुखी क्यों होते हो? तुम्हारी उम्र के बच्चे तो क्रीड़ा इत्यादि में ही व्यस्त रहते हैं, जाओ खेलो कूदो, भगवान का भजन करने चले हो वन में, जानते हो वहां पर कैसे हिंसक पशु हैं, वहां पर शेर बाघ इत्यादि तुम्हें ग्रास कर लेंगे और तुम्हारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि देखो तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार तुम्हारी माँ ने तुम पर शासन किया, पूर्व कर्मों के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हो, एक संतोषी व्यक्ति का यही कर्म है कि उसे सहन कर ले, अपना मन विचलित मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगा, मेरे साथ चलो, वो निश्चित ही तुम्हारे साथ में अपनी राजगद्दी पर बिठाएंगे तुम्हें, तो तुम चलो मेरे साथ में। नारद जी अनेक अनेक उपदेश देते हैं कि देखो यदि हम दुख प्राप्त होता है, यदि हमें दुख मिलता है तो उससे हमारे पाप क्षय होते हैं, यदि हमें सुख मिलता है तो उससे हमारे पुण्य खत्म होते हैं। आप बताओ वो पुण्य खत्म करना चाहते हो ना पाप खत्म करना चाहते हो? सब लोग अपने पाप ही खत्म करना चाहते हैं। तो यदि हमें दुख प्राप्त हो तो उस समय पर यही विचार करना चाहिए कि ये दुख भोग करके हमारे सारे पाप हटते जा रहे हैं और हमारा पुण्य बढ़ता जा रहा है। तो नारद जी ने उपदेश देते हैं कि देखो हमसे कोई श्रेष्ठ हो,
हमसे यदि कोई श्रेष्ठ हो तो उससे सम्मान करो, हमारे कोई बराबर हो उससे मित्रता कर लो, हमसे जो छोटे हो उनको दया प्रति उनके प्रति दया भाव रखो। लेकिन आज के समय में ऐसी विडंबना है कि हम हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर और ईर्ष्यान्वित हो जाते हैं। अरे हमारे सामने वाले के 4 साल में उसने 4 नई गाड़ियां ले ली और हम अभी तक इसी गाड़ी में घूम रहे हैं। उसका 4 मंजिला मकान हो गया और हम अभी 2 मंजिल पे ही बैठे हैं। दूसरों के प्रगति को देखकर ईर्ष्यान्वित होके कोई भी सुखी नहीं रह सकता। हमारे दुख का मूल कारण तो यही है। नारद जी ने बड़े सारे उपदेश दिए लेकिन ध्रुव कहने लगे कि बाबा एक बात बतलाओ, यदि कोई छालनी लेके और गौदोहन करने के लिए बैठे तो क्या उसके अंदर दूध रख पाएगा? वो दूध तो सारा निकल ही जाएगा। अरे मेरी सौतेली माँ के वचनों से मेरा सारा हृदय तो छलनी की भांति छिन्न विछिन्न हो गया है और आपके ये अमृत समान उपदेश इसमें कार्य नहीं करेंगे। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, आपकी बात भले ही सारी सत्य हो लेकिन मेरा क्षत्रिय खून मुझे स्वीकार करने को आज्ञा नहीं देता। इसलिए आप यदि प्रकट हुए हो तो मुझे भगवत भजन का उपदेश दो। आप यदि मुझे भगवत भजन के लिए मैं जा रहा था और आपका दर्शन हुआ है, निश्चय एक बात तो है कि मुझे भगवान प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से ही संत प्राप्त होते हैं, है ना। जहाँ पर कृपा हरि की हुई, सुन रहे थे ना अभी, कहाँ पर कृपा करे सब कोई, भगवान स्वयं ही यदि किसी रूप में ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उसको संत से मिला देते हैं, सदगुरु से मिला देते हैं। तो इसीलिए नारद जी ने वहीं पर ध्रुव को उपदेश दिया है और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया। नारद जी ने उपदेश देते हुए कहा कि तुम जाओ मथुरा मधुवन में, यमुना जी के तट का आश्रय लेते हुए मधुवन की पुण्य भूमि पर तुम भजन करना। ध्रुव महाराज ने ऐसा ही किया। मधुवन में आ गए हैं और यमुना जी में त्रिसंध्या स्नान करते हैं। पहले महीने बेर और कपित के फल का 3-3 दिन में एक बार भक्षण करते थे और जब ध्यान में बैठते थे निरंतर भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो जाते थे। जब दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार केवल मात्र जल ग्रहण करते थे। तीसरे महीने में केवल मात्र वायु, जो पेड़ से पत्ते गिरते थे उनको ग्रहण करते थे। चौथे महीने में केवल मात्र वायु ग्रहण करते थे। ऐसे उनका वैराग्य दिनों दिन बढ़ता रहा। पंचम मास में तो केवल मात्र उन्होंने वायु ग्रहण करना भी छोड़ दिया और त्रिभुवन की वायु उस समय पर सारी वायु रुक गई। वहां पर सभी देवता भी त्राही त्राही करते करते और भगवान मुकुंद के पास में पहुंचे। हे भगवान आप कृपा कीजिए, अरे ध्रुव महाराज के तेज से तो पूरा त्रिभुवन दग्धीभूत हो रहा है, आप दया करके हमें उद्धार कीजिए। उस समय पर भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अपने भक्त को दर्शन देने अवश्य ही जाऊंगा। नारायण भी बड़े सुंदर रूप में श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करके और ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवत भक्ति का इतना सर्वश्रेष्ठता है कि भगवान स्वयं भक्त के वशीभूत हो जाते हैं जिन्होंने भक्ति करी है। अरे सूरदास जी का नाम सुना है ना आपने? सूरदास जी यद्यपि इन जड़ चक्षुओं से देख नहीं पाते थे लेकिन आपने देखा होगा सूरदास जी के भजन सुनने के लिए ठाकुर जी स्वयं आते थे। जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है वो भक्ति ठाकुर को खींच कर वहां पर प्रकट कर देती है। ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए भगवान नारायण वहां पर प्रकट होने को ही जा रहे थे। ध्रुव जी भी अपने हृदय में भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, जिस प्रकार नारद जी ने उन्हें बतलाया था। पद्म पलाश लोचन कमल जैसे उनकी आंखें हैं, उनका बड़ा सुंदर मुख कमल है, उनके मस्तक पर तिलक शुभायमान है, किरीटी कुंडल उन्होंने धारण कर रखे हैं। हरे कृष्ण, उन्होंने सुंदर कुंडल धारण कर रखे हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण कर रखे हैं, गले में वैजयंती माला और कौस्तुभ मणि है। जब इस सुंदर स्वरूप का हृदय में ध्रुव जी आस्वादन कर रहे थे भगवान सामने आकर प्रकट हो गए। लेकिन भगवान प्रकट होने पर भी ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं क्योंकि वही स्वरूप तो उनके हृदय में है। भगवान ने उसी क्षण उनके हृदय से वो दर्शन को अंतर ध्यान किया और अंतर ध्यान करते ही ध्रुव जी बड़े विचलित हो गए। विचलित होकर मानो छटपटा रहे हैं कि इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर का आके गया तो गया कहाँ। जैसे ही आंख खोली और सामने श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया बड़े आनंदित हो गए और चाहते हैं भगवान की स्तुति करना, लेकिन अभी तक कुछ स्कूल तो गए नहीं, संस्कृत ज्ञान इत्यादि है नहीं,
भगवान ने कृपा करके अपना शंख उनके कपोल पर स्पर्श करवा दिया और जैसे ही कपोल पर स्पर्श करवाया ध्रुव जी स्तुति करते हैं भगवान की। यो अंत्य प्रविश्य मम वाचमी माम प्रसुप्तम संजीवति अखिल शक्ति धराम स्वधामना। कहते हैं हे ठाकुर जी आप ही मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरी सुप्त सुसुप्त इंद्रियों को आपने जागृत कर दिया है। इन इंद्रियों को यद्यपि देखा जाता है इस जड़ जगत में भी देखोगे इन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण चंद्र वो क्या है यदि कृपा हटा ले लोगों की देखा ना अंधे व्यक्ति बड़ी सुंदर सुंदर आंखें होती है लेकिन फिर भी आंखों में जो शक्ति है जो देखने की शक्ति है वो यदि चली जाए तो क्या देख पाएंगे? देख नहीं पाएंगे। मेरा हृदय कह रहे हैं मेरी सारी इंद्रियों मानो सोई हुई थी लेकिन आपने कृपा करके मेरी सारी इंद्रियों को जागृत कर दिया आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कह रहे स्वधामना प्रसुप्तम इतने सुंदर सुंदर शब्दों से ठाकुर जी की स्तुति करते हैं और आगे ठाकुर जी उनसे कहने लगे कि तुम वर मांगो। ध्रुव यद्यपि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा जानता हूँ लेकिन तुम मुझसे वर मांग लो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम तवान। कहते हैं आपको मैं तो एक साधारण तुच्छ राज्य की प्राप्ति के लिए आपकी तपस्या कर रहा था। मेरे मन में क्या भाव था कि मैं अपनी माँ को राजमाता बनाऊंगा अपने पिता अपने परपिता से भी सर्वश्रेष्ठ राज्य प्राप्त करूंगा लेकिन जैसे ही आपके दर्शन हुए हैं मेरे ये सारा मोह मेरी सारी अभिलाषा छूट गई। मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। यदि कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा हो और कांच का टुकड़ा ढूंढते ढूंढते उसे मणि प्राप्त हो जाए क्या उसके मन में और कोई इच्छा रहेगी? ध्रुव महाराज कहते हैं मेरी भी ऐसी ही मनोदशा है। मैं कहां एक तुच्छ राज्य की प्राप्ति के लिए आपका भजन कर रहा था और कहां मुझे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक श्री पद्म पलाश लोचन विष्णु का दर्शन हो गया है। मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है प्रभु। वरम न याचे वरम न याचे मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज यहाँ पर विष्णु जी यहाँ पर भगवान कहते कि नहीं तुम्हें वर तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो उस समय पर ध्रुव महाराज एक चीज का वर मांगते हैं भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानां भवाब्धिं भगवत गुण कथामृत पान मत्तम। कहते हैं प्रभु भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके संतों का दर्शन आपके संतों का संग मुझे प्रदान करो। बड़े आश्चर्य की बात है भगवान सामने खड़े हैं और भगवान के चरणों की सेवा ना मांग के और संतों का संग मांग रहे हो। अरे क्या तुम क्या मांग रहे हो जरा विचार तो करो। बोले हाँ प्रभु मुझे सच में संतों का संग ही प्रदान करो। क्यों? क्योंकि यदि आपके संतों का संग प्रदान करोगे यदि आपके संतों की गोष्ठी में रहूंगा तो सब समय वो करेंगे क्या मत कथा मत चिंता बोधे अंतर परस्परम आपकी ही कथा होगी आपका ही कीर्तन होगा और उसी से ही मैं आपके चरणों में रतिमति लगा पाऊंगा। लेकिन यदि मुझे कोई विमुख भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कीट जन्म हो यथा तुआ दास बहिर्मुखे ब्रह्म जन्मे नहीं आज कि प्रभु मैं यदि कीट योनि में भी चला जाऊं मेरा यदि कोई बहुत ही निम्न योनि में भी जन्म हो मुझे आपके भक्तों का संग प्रदान करो। लेकिन यदि मुझे ब्रह्म पद भी प्राप्त हो जाए और आपके भक्तों का संग नहीं मिले मुझे ऐसे पद की आशा नहीं इसलिए चाहिए मांगना हो तो क्या मांगो साधु संग सत्संग। ध्रुव महाराज हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं कि इस त्रिभुवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्य वस्तु यदि कुछ है तो साधुओं का संग संतों का संग उसी से ही हमें भगवान का स्मरण भगवान का चिंतन सब समय बना रहेगा। इस प्रकार ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करी। नारद जी भी बड़े आनंदित हो रहे थे कि मेरा एक ऐसा शिष्य हुआ है जिसने साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हुए भगवान ने उसे अटल ध्रुव लोक प्रदान किया है। आज भी देखो ध्रुव तारा आकाश में दैदीप्यमान विराजमान है एकमात्र भगवान की कृपा से ही। तो इसलिए ध्रुव महाराज यहाँ पर भगवत भजन का उपदेश देके और सुंदर सुंदर स्तुति करके जब पूर्ण वापस घर की ओर आए हैं उनके पिताजी उत्थानपाद ने भी उनका स्वागत किया और सुरुचि माँ सुनीति दोनों ही वहाँ पर ध्रुव जी का स्वागत कर रही हैं।
जो विमाता जो उनकी सौतेली माँ थी वो भी बड़ी आनंदित हुई और ध्रुव से क्षमा याचना करती है। बोले पुत्र मैंने उस समय पर तुम्हें कटु वचन कहे, तुम मुझे क्षमा कर दो। और दोनों वहां पर ध्रुव महाराज को 36,000 साल तक राज्य प्राप्त हुआ है और उसके बाद में ध्रुव लोक प्राप्त हुआ है। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण। इधर इधर सुना, जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ जा रहे थे उसी समय काल भी आ गया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं काल हूँ, जब तक मेरे को कोई स्पर्श नहीं करेगा वो संसार से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि एक दिन सबको मरना पड़ता है, मरना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन देखो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, श्री ध्रुव महाराज जी मरे नहीं, शरीर नहीं छोड़े और इसी शरीर से ही उन्होंने वैकुंठ विजय किया। काल स्वयं आ गया, बोले आप यहाँ पर बैठ जाओ। उन्होंने काल के सर के ऊपर उन्होंने प्यार रख ली और प्यार रख करके वो ससरीर में वैकुंठ विजय किए। जो वैकुंठ जा रहे थे इतने में ध्रुव महाराज बोले मेरी मैया कहाँ गई? बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले आज जो मुझे भगवान मिले हैं वो माँ की वजह से मिले, क्योंकि मैया ने मेरे को बोली बेटा तू ये पिताजी की गोद में बैठना चाहते हो, बताओ पिता कब तक रहेंगे और तू भी कब तक रहोगे, ये राज्यभार कब तक रहेगा? ऐसे एक भगवान की गोद में बैठो, जिस गोद में एक बार बैठोगे ना कभी उतरने का जरूरत नहीं। इसी पिता से हजार गुण ज्यादा प्रेम देने वाले भगवान पद्म पल्लव सुलोचन श्री हरि। इसलिए ऐसे पद को प्राप्त करो, तेरे पितामह ब्रह्मा भी जो पद को प्राप्त नहीं किए। इसलिए बेटा भगवान की भजन करो। आज जो मैंने भगवान की भजन करके मिला ये माँ की कृपा से मिला, इसलिए मैया को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मेरी मैया कहाँ? बोले ऐसे ध्यान देकर सो माता है, सुनो बहुत अच्छी बात है। तब ये विष्णु दूत कहते हैं ऐसे जो माँ जो बच्चे को भक्ति के बारे में बताती हैं भजन करो, कद उसका तो 21 पीढ़ी उधार हो गए। कितने पीढ़ी उधार हो गए? 21 पीढ़ी उधार हो गए। और जितने पूर्वज लोग हैं ना वो हाथ उठा उठा करके नाचने लग जाते हैं, हमारी कितने भाग्य है हमारी वंश में भजन करने वाले बच्चे जन्म हुए। जो पिता माता जन्म देते हैं उनको उधार होने से पहले, वो बच्चा उधार होने से पहले पिता माता वैकुंठ जाएंगे। तो उन्होंने देखा, देखो जो रथ है ना आगे उसमें तेरी माँ जा रही है वैकुंठ, तू आगे नहीं माँ के पीछे पीछे तू जा रहे हो, क्योंकि तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया है ना, इसलिए पहले बेटा नहीं पहले माँ जाएगी वैकुंठ। हाँ देखो इधर चीज समझो, अगर बेटे को भजन की शिक्षा दोगे भक्ति की शिक्षा दोगे ना, पहले उधार किसको होगा? तुम्हारी, बेटे बने पहले तुम्हारी उधार होगी। लेकिन अगर बच्चे को जन्म दिया एक गंजड़ी भंगड़ी शराबी बन गई, कहते भैया उसका पाप भी तुमको लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? जिसने जन्म दिया है बच्चा अगर भजन किया बेटा उसका पुण्य भी पिता माता लेंगे, अगर बेटे अगर बिगड़ गए गलत रास्ता पर गए उसको पाप भी पिता माता को ही लेना पड़ेगा और कोई नहीं लेगा। देखो ये पुरानी कथा अच्छे तरह से सुन पाता है। एक समय कोई एक जोगी वो भ्रमण करते करते स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया और रत्न सिंहासन सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, सब अप्सरियां चामर व्यंजन कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति बैठ बैठ करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। तब जोगी ने पूछा भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके तो स्वर्ग में आया, यहाँ क्यों रो रहे हो, यहाँ बेहस क्यों हो रहे हो? देखो क्या कहता है, बोले मैंने बच्चों को तो जन्म दिया पैसा कमाया दान भी किया इसलिए स्वर्ग में आई, लेकिन मेरे से एक पाप भी हो गया। बोले क्या हो गया पाप? बोले मैंने बच्चों को भगवान की भजन को बारे में उपदेश दे दिया, मैंने जो पैसा कमा करके आया वो बच्चे वो पैसा से शराब पी रहे हैं, उसी पैसा से जुआ खेल रहे हैं, उसी पैसा से मांस खा रहे हैं। लेकिन पैसा किसने कमा करके आया था? बोले मैंने कमा करके आया था, क्योंकि मेरी पैसा से ये गलत काम कर रहे हैं इसलिए उसका जो पाप है ना मेरे को ये स्वर्ग में भी उसका पाप नहीं छोड़ना।
यहाँ भी मेरे को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए किसी व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ा प्रभु का भजन करो, भक्ति करो, बोले बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर जाए ना, क्या कहते हैं बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा कर की जाए, लेकिन शास्त्र कहता है बच्चे के लिए कोई पैसा कमा कर मत जाया करो। क्यों? बच्चा अगर हो ना होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक ही बनेगा ना। जितने तुम पैसा कमा करके जा रहे हो, जुआ खेल करके, मांस खा करके, गंदी काम करके सारे पैसा को उड़ा देगा, इसलिए और उसका पाप भी तेरे को ही लेना पड़ेगा। क्यों? पैसा तुमने कमा करके। अगर बेटे को अगर भजन में लगाओ तो क्या होगा? बेटा अगर भजन करेगा उसको पुण्य भी तुम लोगे। इसलिए रामायण सुने होंगे जब सीताराम वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण ने अपना माँ को पास में आई, सुमित्रा को पास में, बोले मैया मेरे को आदेश दे भाभी भैया की सेवा के लिए जाऊँ। सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुश हो गई। देखो सुमित्रा क्या कहती है, हिंदी समझती हो? वो कहती है पुत्रवती जुवती जगत सोई, रघुपति भक्ति जासूसु तोई। समझ गई? बोले पुत्रवती मतलब उसी माँ को बच्चा जन्म देना सार्थकता है, अगर तुम्हारी बेटा भगवान की भजन किया तो। अगर तुमने बेटे को भजन में नहीं लगा पाया, सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहना चाहिए। क्या रहनी चाहिए? बोलो जोर से। बोले बच्चे जन्म तो मना कर देती सुमित्रा। बोले क्यों? 10 मास पेट में धारण करोगे, माताओं को पता होगा प्रसव पीड़ा कितना कठिन है, उसके बाद में रात भर सो गई लालन पालन में कितना कठिन, लिखा पढ़ाओ इतना पैसा दे करके, फिर बच्चा अगर गलत रास्ता पर जा फिर तू नरक जा, बच्चे को पालने के लिए तू फिर नरक जा। इसलिए सुमित्रा कहती बच्चे जन्म मत दो, मना कर देती है। क्या जरूरत है बच्चे जन्म देने का? गांधारी कितना बेटे थे बताओ? 100 बेटे थे, कोई एक कृष्ण भक्त निकला? कुंती की कितने बेटे थे? सब कृष्ण भक्त। इसलिए शास्त्र कहता है अवैष्णव सतपुत्रा, अगर बच्चे भजन नहीं करते हैं अवैष्णव, अगर तुम्हें 100 बेटे भी जन्म दे दिया, बोले सूर्य क्या जन्म नहीं देते? भागवत कहता है सूर्य क्या बच्चे जन्म नहीं देते, 1 महीना में बड़ा कर देते, तुमने कौन सा भाई तीन पर मार दिया। इसलिए शास्त्र कहता है तभी बच्चे जन्म दो, बच्चे को अगर भजन में लगाओगे, नहीं तो बच्चे जन्म मत दो। इसलिए बच्चा अभी भजन कैसे करेगा बोलो? अगर माँ करेगी तभी तो बच्चे करेगा। अगर माँ दिन भर स्मार्टफोन लेकर घूम रही है, स्मार्टफोन देख रही है, भजन भजन से माला भक्ति से कोई मतलब नहीं, बताओ बच्चा भजन करेगा? वो करेगा नहीं। पहला गुरु तो माँ है, माँ भजन करेगी तभी तो बच्चे भजन करेगा, नहीं तो भजन नहीं करेगा। इसलिए इसमें शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? भजन करो, पहले हरि नाम करो, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारे बच्चे भी भजन करेंगे। देखो यहाँ पर एक माता जी बैठी है, खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ। देखो एक यहाँ पर माता जी बैठी है, उनकी 2 बेटी, तुम भी खड़े हो जाओ। एक बेटा भी है इसकी, देखो इनकी दोनों बेटी को देखो, तिलक लगाए, गले में कंठी है, हरिनाम करती है। क्यों? माँ भजन करती है ना, माँ का संस्कार तो पहले बच्चे को ऊपर पड़ेगा, इसलिए देखो सब कैसे भजन कर रहे हैं। इसलिए माँ भक्ति करेगा तो बच्चे भी भजन में लगेगी। इसलिए हमारे यहाँ सुनीति माता जी आए, इनके पूरा अब तो बहू बेटा या नाती पोते सब तिलक लगा कर भजन करते हैं। इसलिए क्या करो, जिस घर में भजन पूजा पाठ होता है ना, वो घर नहीं वही घर ही वृंदावन धाम। लेकिन जहाँ भजन पूजा पाठ नहीं होगा, मांस आएगा, शराब आएगा, जुआ खेलेंगे, सारे गंदी काम होना शुरू हो जाएगा उन घर में। क्यों? भजन भजन से कोई मत नहीं, तो मतलब नहीं तुम्हारी। लेकिन भजन कब होगा? तभी करोगे, कहते संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी हैं। इसलिए क्या करो, माताएं जितने सबके सब हरिनाम लेना, क्या लेना? सबको हरिनाम दूंगा, हरिनाम ले जाना। लेकिन कुछ कुछ माताओं को तो मैंने गले में कंठी दिया था, हरिनाम दिया था, लेकिन जब 2 बार आकर देखता हूँ गले में कंठी नहीं, तिलक छोड़ दी, माला छोड़ दी, नहीं। गुरु जी से जब 1 बार माला लिए, रोज नियम करके कुछ ना कुछ माला करनी चाहिए। माला को कभी भूखे नहीं रखनी चाहिए, खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को भूखे मत रखो। गुरु जी कहते थे जब एक दिन माला तुमने नहीं की, ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, स्नान नहीं किया, कपड़ा नहीं बदला है। इसलिए कभी भी माला भूखे नहीं रखनी चाहिए। और जब गुरु जी गले में कंठी दे दिया, ध्यान रखते सुनो, जब गुरु जी हमारी गले में कंठी दे दिया, ये कंठी नहीं दिए,
हैं, ये भगवान कंठी जो गले में कंठी है ना, जम स्वयं कहते हैं, जिनकी गले में तुलसी कंठी वो कभी नरक नहीं जाएगा। जम दूत को कहते हैं, जिनकी गले में कंठी देख लेना उसको प्रणाम कर लेना, समझ जाना ये ठाकुर जी की भजन करने वाले। इसलिए जम महाराज जमदूत को कहते हैं, जो भजन नहीं करते उनको मेरे पास में लाना। जमदूत बोले, कैसे पता चलेगा कौन भजन करता नहीं करता? उन्होंने एक उदाहरण दिए, बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के? एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ते कैसे पता चलता है? गले में पट्टा बंधा उसका रहता है, पट्टे बंधे है ना, पता चलता है इसकी घर के कुत्ते, देखना उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। और जो फालतू कुत्ते होते हैं बिने पट्टे के, जो रोड रोड घूमते हैं, आप देखना पालतू को तो कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं। अगर हमारी गले में तुलसी कंठी है, हम किसकी पालतू हैं? बांके बिहारी के पालतू। हमारे ऊपर कभी जम महाराज कभी भी नजर नहीं डालेगा। अगर गले में कंठी नहीं होगा ना, फिर हम कौन सा कुत्ते हो गए? बोलो जोर से, फालतू कुत्ते हो गए। इसलिए हमें फालतू कुत्ते नहीं होनी चाहिए। किसकी कुत्ते होनी चाहिए? पालतू ठाकुर जी। इसलिए गले में सब तुलसी कंठी पहनो। जो लोग गले में तुलसी कंठी लिए पहले, गुरु जी कहते थे किसी कारण से अगर गले से तुलसी कंठी टूट गया, फिर दूसरे धागा से पो लिया करो, पो करके दो बार फिर गले में पहन लो। गुरु जी कहते थे अगर गले से कंठी टूट गया तो जब तक दो बार गले में नहीं लगाते हो तब तक पानी तक भी नहीं पीनी चाहिए, हैं? क्योंकि जो कुछ पियोगे खाओगे गले में कंठी स्पर्श करते हुए जाएगा, जो कुछ बोलोगे वो भी पवित्र बन करके निकलेगा, हैं? इसलिए गले से कभी भी भूल से कंठी कभी मत उतरा करो, क्योंकि किसी समय मर जाएंगे तो गले में कंठी होगा तो वैकुंठ जाओगे, बोलो तो वृंदावन जाओगे, कंठी नहीं होगा तो फिर नरक जाना पड़ेगा। इसलिए गले से कंठी कभी नहीं उतारनी चाहिए, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री श्रीकांत से भोगनी से प्रसाद। एक मिनट कीर्तन कर दो मेरे साथ, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
अगर प्रश्न उठे भगवान दैत्य के ऊपर ही द्वेष रखते हैं तो दैत्य के कुल में कौन आए? प्रहलाद महाराज जी आए। अब प्रहलाद महाराज जी को भगवान जितना प्रेम प्रदान किया, जितना वात्सल्य प्रदान किया, उसका कोई सीमा नहीं है। तो कैसे परीक्षित महाराज ने पूछे किस प्रकार? तब सुखदेव गोस्वामी पाद ने गए सप्तम स्कंद का श्रीमद भागवत में नृसिंहदेव का चरित्र सुनाया। जिस समय कश्यप ऋषि के दो पुत्र हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष अर्थात हिरण्य अर्थात सोना, जिसके आग में ही सोना बैठा हुआ हो, मतलब भोग वृत्ति, जिसका दृष्टि भोग वृत्ति हो, और हिरण्यकश्यपु, हिरण्य अर्थात सोना, कश्यपु अर्थात है जो तेज, जिसके तेज ही बिस्तरा, जिसके बिस्तरा ही भोगमयी हो, आँख ही भोगमयी हो, उसको बोल रहे हैं वो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने वध कर दिया, बड़ा रूप धारण करके और पृथ्वी को रसातल के लेके ऊपर स्थापित कर दिया। अब हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध में आया, बोले उस हरि को मैं बदला लूंगा, लेकिन मेरे पास अभी सामर्थ्य नहीं है, अब मैं क्या करूं? ना परिवार को समझा बुझा करके उन्होंने तपस्या करने चले गए, और वन में तपस्या करने जा रहे हैं। इतना भयंकर तपस्या किया, एक पैर पे खड़े होके, एक अंगुष्ठी पे खड़े होके 60,000 साल तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, और जैसे जैसे तपस्या करते जा रहा था उसके शरीर में जिसका मांस रक्त सब शुष्क हो गया और अस्थि मात्र बचा हुआ था, थोड़ा मात्र प्राण बचा हुआ था। ब्रह्मा के आसन डगमगा गए, इंद्र के आसन डगमगा गए, और भगवान सब वहां पे जितने भी ब्रह्म लोग तक उसका तपस्या के धोनी जा रहा था, ब्रह्मा तुरंत भागे हुए प्रकट हो गए और बोले परम बृहत हे हिरण्यकश्यपु वर मांगो। अब हिरण्यकश्यपु को जैसे ही ब्रह्मा ने देखा कि ये तो क्या वर मांगेगा, इसका तो हड्डी मात्र है। हिरण्यकश्यपु के शरीर पे ब्रह्मा जी ने मंत्र पूत पानी छिड़क दिया, हिरण्यकश्यपु बड़े सुंदर दैत्य के दैत्य रूप में प्रकाशित हो गया, दिव्य बल दिव्य बाहु है। और ब्रह्मा जी को देख के प्रसन्न करके ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोलते हैं मुझे एक ही वर दे दो,
मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले भाई वो तो हम ही नहीं बन पाए, अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, एक ना एक मेरा भी काल सुनिश्चित है, मेरा भी मृत्यु है, तुम और कुछ मांग लो। तब हिरण्यकश्यप सोच के वरदान मांगने लगा, बहुत सारा वरदान मांगने लगा, ऊपर मरू ना नीचे मैं प्रकट होके तुम सबका उद्धार करूंगा, निश्चित रूप में तुम सबका प्रकट होके उद्धार करूंगा। अब देवता को थोड़ा संतोष हो गया, क्योंकि प्रहलाद है बोल रहे कृष्ण ग्रह ग्रह स्वामी, इनको एक ग्रह ने डस लिया, एक ग्रह ने इनको पकड़ लिया, बोल रहे जागतिक ग्रह नहीं है भैया, वो क्या है जैसे शनि राहु केतु ग्रह लगाते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं पंडित जी ग्रह शांति हवन करते हैं, यहाँ पे हमारे प्रभु जी बैठे हैं, कोई ग्रह लग गया तो उनको हवन करते ही तुरंत सारे ग्रह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ग्रह हवन करने से नहीं जाएगा, वो ग्रह कैसे जाएगा, बोले कृष्ण ग्रह ग्रहिता, कृष्ण जी को एक बार ग्रस लिए तो वो साधारण तीर्थ पे छोड़ते ही नहीं, अपने धाम लेके ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार भक्त प्रहलाद बचपन से ही भक्ति करते थे, तो जिस प्रकार प्रहलाद को थोड़े 5 साल के आयु हुआ, तो 5 साल के आयु में हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अभी इनको थोड़ा शिक्षा, और अमर के यानी जो अंधकार माया है, तो इनके दोनों के पास भेज दिया कि इनको बड़े अच्छे से शिक्षा दो। अब प्रहलाद महाराज जी को लेके वो शिक्षा तो देते थे, लेकिन किस प्रकार का शिक्षा, जो स्वयं अंधकार में डूबे हुए हो, जो स्वयं भोग लिप्त में डूबे हुए हो, जो स्वयं जागतिक विषय संग्रह में डूबे हुए हो, ये है इनका नाम है संध और अमर। ये किस चीज का शिक्षा देंगे, कूटनीति राजनीति ये सब शिक्षा दें, लेकिन प्रहलाद महाराज वो शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। अब प्रहलाद महाराज को वो शिक्षा ग्रहण अच्छा नहीं लगता था, एक समय संध और अमर प्रहलाद महाराज जी को लेके राजभवन में आते हैं। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज जी को देखा, झट करके दौड़ते हुए उनको गोद में उठा लिया, बोले बेटा बड़े दिन के बाद तुम्हारा देखा मिला है, बताओ गुरुकुल में सब ठीक है, हाँ पिता जी सब ठीक ठाक सीख रहा हूँ, बोले क्या सीखो, बड़े सुंदर बात सीखा हूँ इस बार, बोले सबसे सुंदर बात तुमने क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तद साधु मन्ने असुर वर्य देहि नाम सदा समुद्वेग नद्याम असद्ग्रहात् स्थित्वात्म पातु बृहन्द कूपं परं गतो यद् हरिमाश्रयः। हे असुर श्रेष्ठ, जैसे असुर श्रेष्ठ बोला ये हिरण्यकश्यप को बड़ा आनंद लगा, चलो थोड़ा बहुत तो सीख लिया, अब मुझे असुर श्रेष्ठ बोलने लगा है, बोले हे असुर श्रेष्ठ सुनो, इस जागतिक जगत में जितने भी लोग सब मैं और मेरा करके बस संसार के भोग वृत्ति को बस लिपटने में जा रहे हैं, और गृह ये सर घर गृहस्थी में है, सब डूबे हुए हैं, और ये इसको क्या बोला ना अंधकूपम, ये जैसे कोई अंधेरा कुएं में डूबे हुए हैं, अब इस कुएं में कैसे निकलेंगे, इसको निकलना भी बड़ा मुश्किल है, इसीलिए है असुर श्रेष्ठ मेरा मत ये है कि जो जो लोग इस संसार रूपी गृह अंधकूप में डूबे हुए हैं उनको तो बनम गतम धरिम आश्रय, उनके लिए एकांत कल्याण इसमें होगा कि वो वन में चले जाए और भगवान हरि का ध्यान करने लगे। हिरण्यकश्यपु को तो बड़ा क्रोध आया, फिर सहन भी कर लिया, बोला छोटे से बालक है 5 साल के ही तो है, बालक को जो जिस चीज ने जो समझा दिया जो सिखा दिया वो बालक वही बोलने लगता है, ये बालक का कोई दोष नहीं है, ये संडा और अमरक ने इसको ये सिखा दिया। तो प्रहलाद महाराज जी को बोला कि तुम जाओ खेलो, संडा अमरक को बुलाया, बोले रे दुष्ट कुलद्रोही, तुमने हिरण्यकश्यपु को ये पुत्र ये असुर कुल का श्रेष्ठ है, इनको कूटनीति राज विद्या असुर असुर शिक्षा ये सब नहीं सिखा करके क्या सिखा रहे हो, वो मुझे आके मेरे गोद में बैठ के बोल रहा है अंधकूपी रूप गृह त्याग करके वन में चल के भगवान के भजन करो, अरे उसके लिए तो मैं कितने साल तपस्या किया उसको मारने के लिए, और मेरे शत्रु के लिए ही उसने क्या कर रहा है बोल रहा है उसके भजन करो, ये तुमने क्या सिखाया। तो संडा अमर के तो वैसे कांप गए, बोले सरकार हमारा ये सरकारी स्कूल है, आप जो आदेश देते हो हम वही पढ़ा देते हैं, आपने बोला कि गा मतलब गणेश
गणेश मत सिखाओ, और हमने सोचा कि संप्रदाय का भय ग मतलब गणेश मत सिखाओ, तो हमने ग मतलब गदा सिखा दिया। आपके ही बात का पालन करते हैं हम, आपके विरुद्ध नहीं जानते, लेकिन हमें संदेह है कोई ब्राह्मण वेश धारण करके, निश्चित रूप में कोई देवता ही असुर रूप धारण करके शायद आ गया हो, और विद्रोही के पक्षपाती में आके ये आपके पुत्र को उल्टा सीधा भड़का दिया। लेकिन महाराज आप इस बार हमें माफ कर दो, अगले बार तो हमें उससे भले बार की शिक्षा दे देंगे। अब हिरण्यकश्यप को थोड़ा शांत हो गया, प्रहलाद महाराज जी को पुनः गुरुकुल ले गए। जैसे ही प्रहलाद महाराज जी को गुरुकुल ले जाते हैं, ये संड और अमर को पूछते हैं, बोले देखो प्रहलाद, हमने तो तुम्हें ऐसा बात कभी सिखाया ही नहीं कि वन में चले जाओ और भगवान का भजन करो, हमने तो ऐसा बात तुम्हें बताया ही नहीं, लेकिन तुमने इस प्रकार का बुद्धि किसने भरा, तुम्हारे दिमाग में ऐसा बुद्धि किसने डाल दिया। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मण्य, हे ब्राह्मण के पुत्र, देखो आपने चुंबक देखा है? बोले हाँ देखा है। चुंबक का क्या काम है? लोहे को आकर्षित कर देता है। तो जिस प्रकार एक चुंबक लोहे को आकर्षित कर देता है, उसी प्रकार भगवान बड़े कृपा करके अपने भक्त को, मन को आकर्षित कर देते हैं। ऐसे बात सुन के तो संड और अमर को बड़े गुस्से में आए, बोले रे असुर कुलद्रोही, तुमने क्या बोल रहे हो? कहाँ से पता नहीं हम असुर जैसे चंदन के बाग में तुम वे बाबुला का एक कांटा का वृक्ष तुम आ गए, तुम ऐसे क्या बोल रहे हो? तब हिरण्यकश्यप के जो दोनों हिरण्यकश्यप के जो गुरु हैं, बोलने की शुक्राचार्य जब तक नहीं आ जाते तब तक हम तुम्हें शिक्षा देंगे, और धर्म अर्थ काम मोक्ष कूटनीति राजनीति शिक्षा देना शुरू कर दिया। कुछ दिन पश्चात पुनः ये प्रहलाद महाराज जी को लेके ये संड और अमर का हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप को सुना कि देखा प्रहलाद महाराज जी को और गोद में उठा लिया, बोले ठीक हो बेटा, ठीक हो? हाँ बाबा ठीक हो। बोले इस बार क्या सीखे हो? बोले इस बार तो मैं नौ नौ पाठ सिखाऊं बाबा, पिताजी इस बार नौ विद्या सिखाऊं मैं। अच्छा, मुझे तो लग रहा था एक दो सीखोगे, तुम तो नौ सीख लिया। बोले बताओ सबसे सुंदर बात, और नौ विद्या सीख बताओ मुझे। तो नवदा भक्ति का बात बोला प्रहलाद महाराज ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रम श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम पतनम नाश शक्यात्मनिवेदनम। नौ प्रकार का विद्या बता रहे हैं, श्रवण श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, पाद सेवन के द्वारा, भगवान के दास के द्वारा, भगवान के बंधन के द्वारा, और भगवान के पाद सेवन के द्वारा। ये नौ प्रकार के, अगर किसी न किसी जीव ये नौ प्रकार से अपने सारे मति रति अगर भगवान के चरणों में लगा देना, उसको निश्चित रूप में भगवान उसको अंगीकार कर लेंगे। ये बात तो छोड़ो पिताजी, एक भी अंग का पालन कर लिया, श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, बंधन कर लिया, एक एक अंग का अगर पालन कर लिया, तब भी निश्चित रूप में भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको भक्ति प्राप्त हो जाता है। अब इतना सुन के हिरण्यकश्यप क्रोध में पूरा आंख लाल लाल करके ब्रिकटी को टेढ़ा करके देख रहा है, बोल रहे हैं ये संत अमर, तुमने मेरे बोलने पर भी इसको हरि भक्ति का शिक्षा दे दिया, इससे विद्रोह शिक्षा तुमने दे दिया। तो संत अमर को पहले से बोले बोले त्राय वाम प्रभु, महाराज हमने इसको ऐसा शिक्षा नहीं दिया कि नहीं सर ज्ञकम मतिरति राज। इसका जो शिक्षा है हमें लग रहा है नैसर्गिक, मतलब स्वाभाविक रूप में विधाता ने इसको पहले ही जन्म से पूर्व ही इस हरि भक्ति का शिक्षा दे दिया। हम तो ये बात को पहले बार सुन रहे हैं, हम तो वाला ये बात को कैसे जानते ही नहीं, सुनते नहीं, हम शिक्षा कहाँ से देंगे? ऐसे नौ प्रकार का चीज हम तो कुछ जानते ही नहीं, और जानेंगे भी कैसे बोला। ठंडा और अमर का बेल और अंधेरा है, उनको क्या पता है सब भक्ति भक्ति के बारे में। तो हिरण्यकश्यप दुष्ट होके बोल रहे हैं, पूरा अपने भयंकर स्वरूप लेके प्रहलाद महाराज जी को हाथ में उठाया और बता रहे हैं कि हे दुष्ट, हे असुर कुलद्रोही, हे प्रहलाद, बताओ तुमने अगर गुरुदेव से ये बात को नहीं सीखा तो बताओ कौन ऐसा दुष्ट है जो छद्म वेश रूप धारण करके गुरुकुल में आया है और तुम्हें ऐसा शिक्षा दिया है? तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि
मुझे तो केवल एक ही भगवान ने मुझे वह शिक्षा दिया है। कौन? मतिन कृष्णो परतोषतो वा। हे पिताजी, जिसके मति, जिसके रति, जिसके प्राण, जिसके तन मन सब कुछ भगवान के चरणों में अगर लग जाए तो वो निश्चित रूप में इस संसार रूपी आज चक्र से उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये लगाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सब लोग अंधे अंधे जैसे, कोई अंधे है और उसी अंधे को कोई हाथ पकड़ करके भव समुद्र पार होना चाहते हैं। अब आप ही बताओ, अंधे के हाथ पकड़ करके अगर कोई अंधा रास्ता दिखाए तो निश्चित रूप में गड्ढा में ही गिरेगा, उसी प्रकार उसका उद्धार नहीं होगा। और निश्चित रूप में गड्ढा यानी कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संसार रूपी नरक में पुनः उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर होगा, दुष्ट दुख कष्ट सब भोग करेगा। इसीलिए जब तक मन कृष्ण के चरण में ना लग जाए तब तक ये संभव नहीं है। तो मन लगेगा कहते बोले तत्पाद तो जन्म रजो भी देखो। जब तक कोई भगवान के परम रसिक संत के चरणामृत चरण धूले से जब कोई व्यक्ति स्नान नहीं करेगा, गुरु ग्रहण नहीं करेगा, तब तक कोई भी भगवान के चरणों में व्रतिमति नहीं लग पाएगा। गुरु वैष्णव संत अगर कृपा कर दिया तो निश्चित रूप में भगवान को प्राप्त करेगा। अब इतना सुन के हिरण्यकश्यप तो बड़े क्रोध में आ गया। हिरण्यकश्यप को दो हाथ में उठा करके प्रहलाद को नीचे पटक दिया। बोले दुष्ट, ये असुर कुल द्रोही है, इसको मार दो। हे सन्य सामंत, इसको मार दो, अभी प्राण दंड दो इसको। तो सन्य जितने भी सारे सेनापति थे बोले जय जय प्रभु, आप अभी बोल रहे हो कि मार दो, बाद में थोड़े पश्चात आप बोलोगे कि कहाँ है मेरा पुत्र, अभी तो गुस्से में बोल रहे हो मार दो, लेकिन बाद में बोलोगे मेरा पुत्र कहाँ है लाके दो, हम कहाँ से लाके देंगे। आप सोच समझ के तो बोल रहे हो ना। तो हिरण्यकश्यप को बोल रहा है देखो, शरीर के अगर एक अंग अगर नष्ट हो जाए, एक अंग अगर गल जाए वो पूरा शरीर को नष्ट कर देता है। इसलिए हे असुरो, बुद्धिमान ये है कि शरीर के उसी अंग को ही काट लेना चाहिए। और दूसरे बात, हिरण्यकश्यप राक्षस थे लेकिन कैसे भाव एक बता रहा है कि देखो, संत लोग मन में जाके भजन करते हैं, मन में जाके भजन करते हैं, फिर भी उनका मन क्यों चंचल है, फिर भी उनका मन में भोग और कामना का वासना आता है, क्योंकि वो अपने मन के बसीभूत नहीं है। इसलिए मैं पूरा निर्धारित करके बोल रहा हूँ, इसको बध दो, इसको दंड दो, इसका व्रत कर दो, इसको प्राण दंड दो प्रहलाद को। और प्राण दंड दोगे तभी जाके एक हरिभक्ति का बीज अगर उठ गया तो पूरा असुर कुल को ये विनाश कर देगा। इसलिए अभी से ही इसका पूर्ण रूप में समाधान कर दो। अब वहाँ पे जितने भी दैत्य लोग थे हिरण्यकश्यप के आदेश को मान के प्रहलाद महाराज को बड़ा कष्ट दिया, भयंकर कष्ट दिया। कहीं आकाश से कहीं उनको चोटी पकड़ करके कहीं पर्वत के नीचे गिरा देते हैं, कोई उनको हाथी के पेट से कुचलने के लिए भेज देते हैं, भयंकर सर्पद्रोह बड़े बड़े जहरीला सांपों के बीच में लेके बिठा देते हैं, कहीं जले हुए अंधार के अग्नि में प्रवेश करवा देते हैं। लेकिन उनका कुछ भी, प्रहलाद महाराज जी का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रहलाद महाराज जी का, क्यों कुछ नहीं हुआ? बोले प्रहलाद महाराज जी हर समय भगवान का भजन करते हैं, हर समय ये भगवान का भक्ति करते हैं। तो बोलते हैं जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका ना कर पाए जो जगत बेरी होई। उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको रक्षा करने वाला स्वयं भगवान है। चोटी को खींच करके उनको पुनः पर्वत से उठा रहे हैं, आग के मुख से उठा रहे हैं, सर्प के मुख से उठा रहे हैं। इस प्रकार भगवान प्रहलाद महाराज जी को रक्षा किया। अब हिरण्यकश्यप तो बड़ा असंतोष हुआ, बड़ा प्रयास किया फिर भी मार नहीं पा रहे। लेकिन एक प्रयास अब बाकी था। हिरण्यकश्यप का एक बहन था जिसका नाम था होलिका। हम लोग करते हैं ना होली में होलिका दहन, तभी होलिका को ब्रह्मा जी के वर प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसको एक वस्त्र दिए थे जिसको पहनने के बाद कोई अग्नि उसको जला नहीं सकता। तब होलिका बोले मैं प्रहलाद को जला दूंगा भैया। तो भयंकर वहाँ पे आग सृष्टि किया गया, बता रहे हैं भागवत जी में उस आग तो आकाश मार्ग तक क्यों रहे थे, इतने उत्ताप आग में प्रहलाद महाराज जी को गोद में लेके होलिका अग्नि में प्रवेश किया। लेकिन प्रहलाद महाराज जी का कुछ नहीं हुआ, ये होलिका उल्टा उसका विनाश हो गया। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा
चिंतित है, बड़ा दुख है। तब संडा और अमर को बोलते हैं कि देखो हे अत्यंत श्रेष्ठ, कुछ दिन में हमारे जो गुरुदेव शुक्राचार्य ये आ जाएंगे, और ये आते ही ये बच्चों का बुद्धि शायद शिक्षा देते देते इसका बुद्धि भ्रमित हो जाए, इसलिए हम इसको पुनः क्या करते हैं, गुरुकुल में ले जाते हैं। अब पुनः हिरण्यकश्यप ने बोला कि इसको पुनः ले जाओ गुरुकुल में ले जाओ, और उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष किस प्रकार राज्य को जीता जाएगा, किस प्रकार असुर धर्म का जो श्रेष्ठत्व, किस प्रकार कूटनीति राजनीति कपटता ये सब सिखाओ। अब प्रहलाद महाराज जी को ले गए, अब प्रहलाद महाराज जी को सारे बात को सिखा रहे थे, प्रहलाद महाराज जी का सर जा रहे क्योंकि उनको भगवान की भक्ति में क्योंकि ठंडा रामर की बात सुनते ही नहीं। एक दिन प्रहलाद महाराज ने असुर पुत्रों को बोला कि देखो हे असुर पुत्र तुम लोग अभी असुर पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा देते देते बोले कि अभी से ही तुम लोग भगवान के भजन करो, अगर अभी से भजन नहीं करोगे तो बुढ़ापा में क्या होगा, तुमको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगा, बुढ़ापा में भगवान का नाम ही स्मरण नहीं आएगा। तब असुर पुत्र ने बोले तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आज नहीं करेंगे हम कल से करेंगे। तो प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हुए बोले कौमारम् आचरेत् प्राज्ञम् धर्मः भागवता निहा दुर्लभम् मानसं जन्मम् तदत्यम् ध्रुवमर्थदा। कौमार्य आचरेत् प्राज्ञम् के बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि बाल काल से ही भगवान के भजन में लगना चाहिए, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा श्रेष्ठ है। कोई बोलेगा मैं कल भजन करूंगा, परसों भजन करूंगा, अभी अभी कोरोना में आ गए, कोरोना में कितने लोग मर गए, किसी को पता था कोरोना होने वाला था, किसी को भी पता नहीं था, लेकिन कोरोना आ गया और इतने लोगों का जान ले गया, बताओ उन लोग भजन नहीं किए तो उनका क्या गति हुआ होगा। तो बता रहे किसी समय भी मृत्यु सुनिश्चित है, कैसे कैसे स्थिति में भी हम मर सकते हैं, इसलिए है असुर पुत्र आप लोग क्या करो, बचपन से ही भजन करो। तो असुर लोग ने बोला कि मैंने सुना है प्रहलाद महाराज आप बोल रहे हो भजन करो, लेकिन भजन करने तो बड़ा दुख कष्ट आता है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं देहे आत्मन दिगम आत्मा कि देखो हे असुर पुत्र बताओ जिस प्रकार दुख आता है जीवन में, कोई दुख को चाहता है, कोई चाहता है क्या मुझे कोरोना हो जाए, कोई चाहता है मैं एक्सीडेंट हो जाऊँ, थोड़ा हाथ पैर बहुत दिन से सही है अब थोड़ा हाथ पैर टूट जाए, कोई चाहता है, कोई चाहता है कि मेरा धन संपत्ति चोरी हो जाए, दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी दुख जैसे ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप में आ जाता है, उसी प्रकार सुख भी स्वाभाविक रूप में आ ही जाता है, उसी प्रकार सुख भी स्वाभाविक रूप में आ जाता है, और दुख को जैसे कोई आमंत्रित नहीं करता उसी प्रकार सुख भी आमंत्रित करना नहीं पड़ेगा, भगवान का भजन तो करो, और भगवान का भजन करने से निश्चित रूप में क्या होगा, तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार शिक्षा सुन के ये असुर बालक को हृदय में एक शंका उत्पन्न हुआ, क्या शंका उत्पन्न हुआ, बोले प्रहलाद तुम तो बचपन से ही हमारे साथ खेल कूद रहे हो, हमारे साथ ही संडर अमर के साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, लेकिन हमें तो ऐसा बुद्धि नहीं हुआ, तुम्हें कैसे इतना ज्ञान है, तुम्हें कैसे ये भक्ति भक्ति प्राप्त है। तब प्रहलाद महाराज जी ने बताया जिस समय मेरे पिता हिरण्यकश्यप ये तपस्या करने जा रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र उनके तपस्या से डर करके मेरे माता कयाधु को जोर जबरदस्ती खींच करके इंद्रलोक ले जा रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद आके मेरे मैया को रक्षा किया, और देवराज इंद्र ने मेरे माता को परिक्रमा करके मुझे प्रणाम करके चले गए, और उसी समय पे 60,000 साल तक मैंने ये देवर्षि नारद जी का संग किया। मेरे गुरु संडर अमर्क नहीं है, मातृ गर्भ में ही प्रहलाद महाराज ने नारद जी का संग किया था। तो बता रहे हैं कि उसमें गुरु शुश्रूषया भक्ति सर्वलब्धार्पणे न च संगे न साधु भक्ता न ईश्वर आराधने न च, कि हमको जो भी चीज मिलना चाहिए, जो भी चीज हम प्राप्त करते हैं उसको सर्वलब्धार्पणे न च, सबको सब हमको गुरुदेव को देना चाहिए, और संगे न साधु भक्ता न ईश्वर आराधने न च, भगवान के संग से ही, भगवान के भक्त के संग से ही हमें भगवान का आराधना करना चाहिए। तब असुर वाले बोलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी भजन करते हैं। अब दो हाथ उठा उठा के वहाँ पे कीर्तन करने लगे,
अब मेरे पीछे पीछे एक मिनट कीर्तन करते हैं। देखो जो लोग यहाँ पे हिरण्यकश्यपु के मित्र हैं वो लोग तो कीर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग प्रहलाद महाराज जी के मित्र हैं ना वो हाथ उठाते उठाते हुए कीर्तन करेंगे। कुछ कुछ जो माताएं हैं ना उनका मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। अगर किसी घर में झगड़ा होना, अगर इसी कोने में झगड़ा हो दूसरे कोने में पता चलता है इसी घर में झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ देखा माताएं हम कीर्तन करते उसको मुंह में भगवान का नाम नहीं निकलता। जिस समय नारद जी तस्वीर रत्ना कर बोले बोले बोलो राम बोलो बोलो बोलो, लेकिन हमारे दस्यु रत्नाकर का मुंह से राम नाम नहीं निकला। बोले क्यों? बोले वो पापी है ना, इसलिए पापियों को मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये नाम को कौन कर सकता है? बोले जिन्हें पूर्व सत्तर जन्म वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की सेवा पूजा की है तभी इसी जीवन में राम कृष्ण का नाम हो ही लेगा। वो पापी का मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा, लेकिन झगड़ा कर जाएगा पूरा। इसलिए प्रभु का नाम है, सबके से हरि नाम करो, सबके से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा ताली कृष्णा कृष्णा करता है। मैंने इतने मारने के प्रयास किया लेकिन तुम मर ही नहीं रहे, बोलो तुम्हें कौन रक्षा करता है?
तो प्रहलाद महाराज बड़े दीनता पूर्वक बोल रहे हैं, हे पिताजी आपको जो रक्षा करते हैं मुझे भी वही रक्षा करता है, और हम दोनों के बाद ही तो छोड़ो पूरा जगत को ही रक्षा करते हैं, और पूरा जगत के बाद छोड़ो ब्रह्मांड उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे सृष्टि होते हैं, और सारे कण कण में मेरे भगवान विद्यमान है। हिरण्यकश्यप सुन के और जैसे बता रहे हैं ना कि आग में घी डाल देने से वो क्या करते हैं भड़क जाते हैं, उसी प्रकार हिरण्यकश्यप को और भड़क गया और बोल रहा है, रे मूर्ख तुम बोल रहे हो सारे कण कण में, तुम बोल रहे हो सारे कण कण में तुम्हारे हरि है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रहलाद महाराज जी बोले, सारे कण कण में इस महल में इस जगत में इस राज्य में और इसे पूरा का पूरा जो मेरे शरीर में आपके शरीर में सर्वत्र हरि व्यापक हरि व्यापक के सामने एक खंभा था, रे दुष्ट बोलो इस खंभे में तेरा हरि है, बोले हाँ निश्चित रूप में खंभे में ही मेरे भगवान विद्यमान है। तो बड़े भयंकर तेज से बोला, आज तेरे हरि को भी नष्ट कर दूंगा और तुम्हें भी बद कर दूंगा, देखता हूँ तुम्हें कौन हरि तुम्हें रक्षा करता है, तुम्हें कौन हरि बचाता है, मैं देखता हूँ तुम्हें। तो गदा लेके भयंकर सिंहासन से कूदते हुए खंभ के ऊपर प्रहार कर दिया, टूट गया और ऐसे शब्द हुआ जैसे ब्रह्मांड भेद हो गया, ब्रह्मा धरहर होने लगे, ब्रह्मांडों प्रलय तो नहीं आने जाने लगे, और वहां पे भगवान नृसिंहदेव भयंकर रूप धारण करके प्रकट हो गए। उद्यत बंद दिति न झट झटित झटा झाट नाद्यम स्फटानम अनन्य दृष्टा दृष्टा रड़ रड़ नरडो डंबरो लंगराटम झंग 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 झम झमा नृसिंहो अपने देर जैसे मुख प्रकट हो गए, वहां पे भयंकर शब्द करने लगे, ताड़ने लगे भगवान सिंहदेव। अब हिरण्यकश्यप देख के डर गया, भाई ये कौन सा हरि है, हमने तो सुना था शांत स्वरूप शंकर चक्र गदा पद्म, ये कौन सा रूप है, न मृगम न मानुषम ना शेर है ना इंसान है। अब इस प्रकार हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं वहां पे कि जैसे चूहा एक बिल्ली को एक झपट में लेके उठा के ले जाता है, उसी प्रकार भगवान हिरण्यकश्यप को एक झपट में उठा करके ले गए। थोड़े देर तक तो भगवान ने युद्ध किए, जैसे ही संध्या समय उपस्थित हो गया, भगवान ने देखा कि संध्या समय उपस्थित हो रहा है, तब भगवान ने वहां पे जाके देखो, भगवान उसको पूरा का पूरा प्लानिंग करके आए हैं, इतने सारे वरदान को फेल करना है ना। अब भगवान उसको खसीड़ते हुए द्वार के ऊपर ले जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले नहीं मरूंगा, वर प्राप्त हुआ है, मैं नहीं मरूंगा, मुझे वर मिला है। बोले क्या वर मिला है, ना दिन में मरू ना रात में मरू। तो भगवान बोले देख लो, ना दिन है ना रात है, ये संध्या समय है, ना दिन है ये ना रात है, तो बता रहे ना बाहर मरू ना भीतर मरू ना स्वर्ग मरू ना पाताल में मरू। तो भगवान ने झटकर के बैठ गया और उसको गोदी में ले लिया, बोले बताओ ये पाताल है, बोले नहीं, ये बाहर है, बोले नहीं, ये भीतर है, नहीं, स्वर्ग जैसा लग रहा है, बोले नहीं, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान बोले मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, ना देवता से मरूंगा ना असुरों से मरूंगा, ना देवता ना जख्यु नाग किन्नर किसी से भी नहीं मरूंगा, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा तो मुझसे ही सृष्टि होते हैं, एक ब्रह्मा ने करोड़ों ब्रह्मा मुझसे सृष्टि होते हैं, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर हूँ, और ना मैं देवता हूँ ना मैं पशु हूँ, देखो मेरे ऊपर के शरीर में सिंह के स्वरूप है और मेरे नीचे मनुष्य जैसा है, लेकिन मैं ना अस्त्र से तुम्हें मारूंगा, ना मैं देवता हूँ ना मैं यज्ञ हूँ, मैं नाग हूँ ना किन्नर हूँ, मैं किसी भी ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं आता। तब बोला कि मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा।
तो भगवान बोले भाई वो भी बंदोबस्त करके आया हूँ, 12 महीने नहीं है ये, अधिमास है पुरुषोत्तम मास, 3 साल में एक बार 1 महीने में आते है, ये 12 महीने के अंतर्भुक्त नहीं है। तो बोला अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरूंगा, आपके पास क्या अस्त्र है? भगवान इतने भयंकर रूप में क्रोध में बोल रहे हैं कि मेरे लिए तुम्हारे मारने के लिए तो मेरे ये नाखून है, नाखून में कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। तो भगवान ने देख के उसके पेट को विदारण कर दिया और विदारण करके उसके जितने भी अंत का शरीर का जो नाड़ा था अपने गले में लिपट लिया। और भगवान का भयंकर क्रोध है, भयंकर क्रोध को देख के वहां पे इतना क्रोध किए कि दंडम दंडम प्रदंड दंड दंडम अनन्यम दष्ट दष्टा दंडम डिम्पी डिम्पी डिडिम्पी डिम्पी डिम्पी झांपिका झांपराक्षम अनन्य पायत काल कीलम उग्रम भयंकर नृसिंह रूपम। इतना भयंकर नृसिंह रूप धारण कर लिया, देवता तो डरने लगे, फिर भी एक एक श्लोक में स्तुति किया। अब लक्ष्मी जी के पास बोले, बोले लक्ष्मी जी चलो आपके प्रभु अभी भयानक रूप भयंकर रूप धारण किए। लक्ष्मी जी तो बोले अरे प्रभु को मैं ही मना सकता हूँ, तुम देवता कोई काम के नहीं हो। अर्घ्य थाली लेके बड़े सज धज से लक्ष्मी आ गई। अब लक्ष्मी तो आ गई, दूर से ही देख के डर रही है क्योंकि ठाकुर जी के हाथ में बड़े गुस्सेलू होके ये पूरा रक्त विचित्र होके ठाकुर जी वहाँ पे बड़े भयंकर ज्वालामुखी शत्रु से दिख रहे हैं। और लक्ष्मी जी जैसे ही आके ठाकुर जी के सामने बोलते हैं, बोले प्रभु, तब भगवान नृसिंहदेव इतना तेज कंठ का एक दाड़ मारा, घाव करके एक दाड़ मारा, लक्ष्मी एक झटके में ही एक उछल करके कूद करके सीधा वैकुंठ, बोले ये मेरा प्रभु नहीं हो सकते, ये मेरा प्रभु नहीं हो सकते। अनन्य दृष्टा न दृष्टि थी, मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा। अरे मेरा प्रभु तो शांत सुदृश कमल लचन वाले, ये शांत स्वरूप वाले हैं, ये कौन है, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते भाई। तब ब्रह्मा जी ने वहाँ पे नारद जी के ब्रह्मा आदि देवता ने बोले, बोले प्रहलाद तुम्हारे ही वाक्यों को सत्य करने के लिए भगवान ने 3 वाक्यों को सत्य कर दिया, निज भृत्य सेवकम, निज अपने भृत्य के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने यहाँ पे प्रकट हो गए। और दूसरा ब्रह्मा का भी जो वरदान को फेल कर दिया। और तीसरा क्या क्या, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र हरि व्यापक है, इसका प्रमाण दे रहे हैं। स्तंभे में भी जो जड़ है उसमें भी भगवान जड़ में भी प्रकट हो गए। तो बोले तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए, तुम ही जाओ। अब जैसे ही प्रहलाद महाराज जाके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते तो भगवान ने उनको गोद में उठा लिया और शांत हो गए। अब गोद में उठा करके भगवान ने उनको बड़े वात्सल्य प्रेम दिया, जिस प्रकार एक शेर ने, जिस प्रकार एक शेर अपने बच्चे को कैसे प्रीति करता है चाट चाट करके, उसी प्रकार भगवान यहाँ पे प्रहलाद महाराज के शरीर को चाट रहे हैं और प्रहलाद महाराज को भय भी नहीं लग रहा है, बैठे हैं गोद में और भगवान के मुख की तरफ देख रहे हैं। और बड़े सुंदर रूप में वहाँ पे प्रहलाद महाराज जी ने भगवान का स्तुति किया और स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए, बोल रहे हैं प्रहलाद तुमने इतना मेरा भजन किया, ये हिरण्यकश्यप तुम्हारा इतना अनिष्ट किया, इतने तुम्हें कष्ट दिया, लेकिन हे प्रहलाद मैं आज एक भक्त के सामने मैं आज भगवान होते हुए भी हार गया, तुम्हारे लिए मैं हार गया, तुमने इतना सहनशीलता है, तुमने इतना सहा, इसलिए हे प्रहलाद तुम्हारे बुलाने में देरी नहीं हुई, मेरे आने में देरी हो गया। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं प्रभु ये तो आपका भक्त वत्सल्यता है। तो भगवान बोलते हैं नृसिंहदेव पर मांगो क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज रोते हुए बोल रहे हैं कि यदि कामान मेरा से बरास्वांबर दर्शवा, कि हे वर दर्शवा, हे वर देने में श्रेष्ठ, क्यों वर देने में श्रेष्ठ, क्योंकि इस जगत के जो ब्रह्मा शिव जी वर देते हैं उनका भी विफल हो जाता है, आपने विफल कर दिया। और तो और ब्रह्मा जी ने होलिका को बोला था कि अग्नि में तुम्हें कोई अग्नि नहीं जला पाएगा, उस अग्नि भी होलिका को जला दिया, बोले इस जगत का अग्नि थोड़ी ना जलाया, ब्रह्मा का भी वचन सत्य हो गया, लेकिन उसको तो प्रभु आपके क्रोधाग्नि ने जला दिया। इसी प्रकार हे पर देने में श्रेष्ठ, आप जिसको पर देते हो उसको पूरा करते हो, हे पर देने में श्रेष्ठ प्रभु, अगर आप पर देने में चाहते हो हृदय सन्निध्य रोह अहम, मेरे हृदय के जितने भी कामना है पर देने का इच्छा को ही आप मार दो, क्योंकि ये हृदय का जो कामना है ना ये बड़ा चंचल है, एक कामना करते हैं भगवान से एक बार मांगते हैं तो फिर भगवान एक बार दे देते हैं, फिर बोलते नहीं वो होता तो अच्छा रहता, वो होता तो अच्छा रहता, एक कामना को ही खत्म कर दो।
और हे प्रभु आप अगर कृपा करोगे तो मेरे ही ये पिता ने हिरण्यकश्यप को आपका बड़ा अपमान किया, इसलिए हे प्रभु आप इसको नित्य धाम में कृपा करके स्थान दो। तब भगवान एक बड़े सुंदर बात कह रहे हैं, बोले प्रहलाद तुम्हारे जैसे पुत्र अगर किसी कुल में जन्म हो गया ना, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, त्रिसप्त भे पिता पुत पितृवे सते अनगा यदि गृहे कुलासे भवान वै कुल पावना। तुम्हारे जैसे पुत्र अगर किसी कुल में जन्म हो गया, त्रि सप्तवे उसका 21 पीढ़ी उद्धार ऐसे ही हो जाते हैं। इसलिए जिसके घर में भक्त जन्म लेते हैं उसका सारे के सारे उत्तम वैष्णव के लिए बता रहे हैं कि उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, मध्यम वैष्णव के लिए उसका 14 पीढ़ी उद्धार हो जाता है और कनिष्ठ भक्त के लिए उसका 7 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार भगवान ने वरदान दिया। अब वहाँ पे नृसिंह देव को वहाँ पे भगवान प्रहलाद महाराज स्तुति किया और भगवान नृसिंह देव वहाँ पे अंतर ध्यान हो गए। बोले तब कर कमल बरे नाथ अद्भुत श्रृंगार हरे कृष्ण प्रभु जी जाओ तो वामन देव को दिखा दे। बोले श्री वामन भगवान की जय। हाँ देखो आज तो भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं, इसलिए आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? पीली रंग की। कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना, ठीक है? बोले श्रीमती राधा रानी की हरे कृष्ण। हे माता है बैठ, कहाँ जा रहे हो? दस कृष्ण 10 मिनट में आ जाएंगे लेकर जाओ, बैठ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ, इतना समय बैठो बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो कभी ये देवता देखते में प्राय करके लड़ाई होती थी, जब देवता मर जाए तो मर जाए, लेकिन जब दैत्य मरे इनका गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से जिंदा कर दे। एक समय देवता लोग भगवान को पास में गए, बोले प्रभु हम अमर कैसे बनेंगे? बोले एक काम करो, समुद्र मंथन करो, लेकिन तुम अकेले नहीं कर सकते, दैत्य को ले लो। बोले दैत्य तो हमारे शत्रु। बोले देखो काम बनाना हो ना, शत्रु से भी राम राम बोल देनी चाहिए, इसलिए शत्रु होने पर भी राम राम बोल दो, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा ना। अभी देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किया, उससे सर्वप्रथम हलाहल बीज निकला। अभी ये बीज को कौन पान करेगा? श्री भोले बाबा को प्रार्थना किया तो शंकर जी टन के टन उन्होंने जहर पान कर लिया, लेकिन उन्होंने अपना गले में धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। कोई जय कोई हे बोल रहे तो जोर से बोलो, बोले श्री नीलकंठ महादेव की। अभी शंकर जी हमें शिक्षा क्या देते हैं? अगर कोई गंदी चीज हो ना, देखो मुंह में मत रखा करो, फिर मुंह भी घर में लड़ाई होगा, हृदय में भी मत रखा करो, फिर हृदय भी गंदा हो जाएगा। बोले इसको कहाँ रखो? अपना कंठ में रखा करो। लेकिन शंकर तो टन के टन जहर पी लिए, समर्थ है। अगर हम अगर पान करेंगे तो क्या होगा? टन की टन क्या, एक बूंद जहर पी लो क्या होगा? राम नाम सत्य हमारी हो जाएगी,
इसलिए फिर समुद्र मंथन हुई। समुद्र मंथन से द्रौपदी को रत्न निकला। इसने ऐरावत हाथी निकला तो श्री इंद्र ने ले लिया, उससे उच्चे सर्वा अश्व निकला तो श्री दैत्य ने ऐसे करके लिया, फिर उसमें माँ लक्ष्मी निकली। अभी बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी तो दुनिया को सबको चाहिए, बताओ किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? सबको लक्ष्मी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी बोली देखो ऐसे मैं अपना बर को नहीं चुनूंगी, सब लाइन करके खड़े हो जाओ, मैं अपना बर को मन पसंद में बर चुनूंगी। अभी लक्ष्मी बरमाला लेकर सबको पास में गई, जितने देवता ऋषि मुनि थे, लेकिन उनको कोई भी पसंद नहीं आया। देखा सबको अंदर में कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन जब भगवान श्री नारायण को पास में गई, वही पर एकदम खड़ी हो गई। क्यों? अगर सर्वगुण संपन्न निर्दोष अगर कोई, ये केवल भगवान नारायण है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की, उनकी गले में उन्होंने माला डाल दी। फिर समुद्र मंथन हुई, धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर निकला। फिर देवता दैत्य में लड़ाई हुई, इतने में भगवान मोहिनी बन करके प्रकट हुई और सारे देवता को उन्होंने अमृत पिला दी। लेकिन चंद्र सूर्य के बीच में एक स्वर भानु नाम का दैत्य, उन्होंने धोखे से अमृत पिया। धोखे से पी लिया तो चंद्र सूर्य इशारा किया, देखो प्रभु जी ये राक्षस है, सावधान, ये दैत्य ने धोखे से अमृत पिया। भगवान सुदर्शन चक्र को बुलाया, उस गले को काट दिया। एक राहु और एक हो गया केतु। देखो अभी जैसे आप लोग नवरात्रि रखते हो, अभी चल रहे हैं ना नवरात्रि, चल रही है ना अभी, क्या चल रही है? हाँ, इसलिए देख रहा 9 दिन तक आप लोग कोई भी प्याज लहसुन नहीं खाते है ना। क्यों नहीं खाते हो प्याज लहसुन? कारण है, इसका जो सृष्टि है वो राक्षस का मांस से हुआ है। इसलिए देखना मांस जैसे लाल लाल रंग का, प्याज भी वैसे लाल लाल रंग का। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, देखना मुंह से अगर कच्चा प्याज खा बदबू आएगा, अगर यहाँ प्याज काटो पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है। इसलिए 9 दिन तक कोई भी ये प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। इसलिए लेकिन लोग क्या करते हैं, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर बोलगा हैं। इसलिए ऐसे नहीं, जो माता जी को जो पसंद नहीं, क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर प्याज लहसुन खा करके नाराज करो? नहीं, माता जी को जो पसंद नहीं हमें भी वो चीज़ पसंद नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी को ये चीज भोग भी नहीं लगती है, ठीक है ना। प्याज लहसुन हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, बड़ा पाप है प्याज लहसुन खाना, मतलब राक्षस का मांस खाना का पाप लगता है। पुराण में तो आता है ये गैया की मांस से ही ये प्याज बना हुआ है। अभी उन्होंने अमृत को उन्होंने दे दिया किसी को, देवता को, देवता अमर हो गए तो सारे दैत्यों को एक तरफ में जैसे केले का पेड़ काटते है ना, एक तरफ से काटने लग गई। ब्रह्मा जी आकर के सांत्वना की बचाया। फिर उनका गुरु जी शुक्राचार्य जी आए संजीवनी मंत्र से फिर चेला को जिंदा कर दिया। बलि महाराज को बड़ा क्रोध आया, दोनों मिल करके समुद्र मंथन की और देवताओं ने अमृत पान कर लिया। उन्होंने एक विश्वजीत उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ से एक रथ निकली, जिस रथ में कोई बैठ करके युद्ध करे तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फिर स्वर्गों पर आक्रमण करके पूरा इंद्रपद को उन्होंने दखल कर लिया। अभी सारे देवता को भगा दिए। इतने में अदिति माता ने कश्यप जी को पास में आए, बोले मेरे बच्चों को ये स्वर्ग मिले कैसे? बोले एक काम करो, केवल 12 दिन का एक पय व्रत है, ये पय व्रत करोगे तो भगवान वामन देव जन्म लेंगे और वामन देव जन्म लेकर के तुमको ये स्वर्ग राज्य को वापस ले जाएंगे। अभी भगवान श्री वामन देव प्रकट हुए, बोले श्री माता जी वहीं पर बैठ जाओ। ए माताओं, अरे वहीं पर बैठो, बाद में फल देना, वहीं पर बैठ जाओ। इसलिए भगवान श्री वामन देव जी प्रकट हुए हैं। बोले भगवान श्री वामन देव की। जब भगवान श्री वामन देव प्रकट हुए, अभी कश्यप जी ने इनके जनेऊ संस्कार की, ब्राह्मण है ना, नियम होता है जनेऊ संस्कार को बाद में फिर गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। बोले गुरु जी क्या दक्षिणा चाहिए? बोले देखो हमें साधारण छोटे मोटे चीज नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग राज्य को हमें दक्षिणा रूप में दो। बोले कहाँ मिलेंगे स्वर्ग राज्य? बोले जाओ भृगु कच्छ, नर्मदा नदी किनारा में श्री बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहीं से ही वो यज्ञ को बाद में
सब ब्राह्मणों को दान देते हैं, जो मांगो वही दान देंगे, उनसे स्वर्ग राज्य को मांग करके लाओ। जब भगवान वामन देव जा रहे थे, ब्राह्मणों ने उनका तेज को देखा, बोले अगर ये हमारे से पहले अगर ये चले जाए ना, लगता है बलि महाराज हमको दान ही नहीं देंगे, इतने सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण। सोचा ये तो छोटा सा बौना सा, इनको पार करते हुए जल्दी जल्दी इसको पीछे रख करके आगे चले जाए। जब उनने पार करके आगे गई ना, देखा फिर वही आगे जा रहे, बोले अरे ये आगे कैसे जा रहे, पीछे तो छोड़ दिया था। फिर जल्दी जल्दी की, फिर नर्मदा नदी जब आ गई, बोले अभी मजा चुकाएंगे। बौना सा भगवान, बोले नदी कैसे पार करोगे? भगवान एक प्यार नर्मदा नदी में रखे ना गले तो पानी, ठाकुर जी एक बार पानी देते हैं, प्यार रखते हैं एक बार ऊपर में, फिर उठा लेते हैं। बोले अभी कैसे करोगे, अभी नदी कैसे पार करोगे? लेकिन ठाकुर सब तरह का है, करना जानते हैं। एक ब्राह्मण को उन्होंने मुग्ध कर दिया, बोले देखो, एक ब्राह्मण ने कहा देखो तुम्हें हम तो पार करा सकते हैं, लेकिन एक शर्त। बोले क्या शर्त? बोले तुमको दान रूप में जो मिलेगा आधा हमको दोगे, फिर तो पार करा देंगे। बोले कोई बात नहीं, आधा दे देंगे। इतने में भगवान को उन्होंने कंधे पर बैठा दिया। जब भगवान को पार करा रहा था, लेकिन वो ब्राह्मण वेदज्ञ ब्राह्मण सब जानता था, भगवान के चरण में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होते हैं। इतने में जब कंधे पर बैठा गया, उन्होंने चरण में देखा ये शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह, पहचान गई ये तो भगवान है। इतने में ब्राह्मण बोले देखो आधा से काम नहीं चलेगा। बोले मैंने बोल दिया ना आधा दूंगा, और क्या चाहिए? बोले मैं जैसे तुमको ये नर्मदा नदी पार करा रहा हूँ, ये भव सागर भी तुम हमें पार करा देना। बोले भैया साधारण छोटी सी नदी नहीं पार कर रहा पारा रहा हूँ, और कहे तो भव सागर को कैसे पार कराएंगे? बोले मैं पहचान गया आपको, आप साधारण नहीं हो, आप भगवान हो, आपकी चरण में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह है, आपको मैं पहचान गया है। इतने में बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं, पार करा दूंगा। जब बलि महाराज के दरबार में पहुंचे, बलि महाराज उनके तेज को देख करके, बलि क्या अग्नि न ये चतुसन न सूर्य है? तो उन्होंने उनको चरण को उन्होंने धोए, चरणामृत लिया, चरणामृत को सबके सब पान किया। बोले आप वर मांगो। बोले ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले संकल्प करो। जब संकल्प करने के लिए जा रहे थे, गुरु जी को पता चला तो बोले भागते भागते आए, बोले सावधान बलि, जानते हो ये कौन है? बोले कौन? पहले जो मोहिनी बन करके आई थी, अमृत से वंचित कर दिया मोहिनी, अभी मोहन बन करके आए, खबरदार इसको दान मत दिया करना ही भगवान। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, एक तो भगवान है, एक तो माँ देवी, फिर शेर के ऊपर बैठ करके आई है, ये डबल लाभ है, एक तो दाता दानी, फिर साक्षात ठाकुर जी, ऐसे किसका सौभाग्य होता है जो भगवान को दान करे। बोले मैं जरूर दान दूंगा। बोले मैं गुरु जी का आदेश नहीं पालन करूंगा। बोले नहीं, बोले जा तो श्री भ्रष्ट हो जा। बोले जो कुछ हो जाए भगवान को मैं जरूर दान दूंगा। जब फिर संकल्प करने जा रहे थे, कीड़ा बनकर बैठ गए, और एक उन्होंने कुछ का सीख घुसाया था, एक आंख ही फूट गई, आंख से खून निकला तो भाग गया। फिर भगवान को उन्होंने संकल्प करके, ठाकुर जी एक प्यार में भूर भूव मोहजन तपस्य लोग को, दूसरे प्यार में अतल वितल तला तला पाताल लोग, बताओ तीसरे पग कहाँ रखूं? बड़े डी घाग रहा था, इतना दान दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं, बताओ तीसरे पग कहाँ रखूं? उन्होंने बुलाया गरुड़ को, बोले बांध दो इसको नागफाश बंधन में। इतने में जब नागफाश बंधन में बांध दिए, उनकी पत्नी थी बड़ी भक्ति मक्ति विंध्यावली उसकी पत्नी, कहते देखो पत्नी दो तरह के, एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले धर्म पत्नी कौन है? जो पति को साथ में कंधे से कंधे मिला करके चले हैं। जब अब धन पत्नी कौन है? जब तक पति को पास में धन हो तब तक रहे, और धन गया तो ही भाग जाती है। इसलिए हमें धन पत्नी नहीं, हमें धर्म पत्नी होनी चाहिए। पति की सुख दुख में हर समय कंधे में कंधे मिला करके हमें चलनी चाहिए। जब उन्होंने बोले ठाकुर का आपने किया दिया, दुनिया ठाकुर का, ठाकुर दुनिया ले लिया, तुमने की दिया, जब तक खुद को खुद नहीं देते हो क्या देना होता है? बोले बताओ। बोले बोला अपना सर पर रखे, अपना स्वयं को स्वयं दे दो। बड़े खुश हो गए पत्नी को बर में। बोले बताओ दान बढ़ा ना दानी बढ़ा?
बोले दानी बड़ा, बोलते आप तो दानी लिया स्वयं दानी बाकी है, मेरे सर पर रखो। भगवान अभय चरण को उन्होंने बलि महाराज के सर पर रखे, बोले श्री बलि महाराज की जय। सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो, बोले प्रभु बोले तेरे को मैं सुतल लोक में स्थान देता हूँ, बोले इतना ही वर दो, जब जब मैं घर से निकलूं आपको दर्शन करते हुए निकलूं, आए तो आपका दर्शन करते हुए आऊं। भगवान इनकी प्रेम में वशीभूत होकर के ठाकुर जी दरवान बन गए। भैया बामन भगवान के ले आओ, बन गए बामन को। अभी भगवान बामन देव आ रहे हैं आप लोगों के पास में, ये भिक्षा मांगने के लिए जाएगा। ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, सुंदरवान जी ने दो मुठी चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए, इसलिए बामन भगवान को थोड़ा कुछ आप लोगों ने जरूर कुछ भिक्षा दिया। प्रभु जी कीर्तन गा लो, बोले श्री बामन भगवान की जय।
भगवान के प्रकट होने वाले कृष्ण है, उसी समय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले कथितो वंश विस्तार एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश और सूर्य वंश कन्हैया लाल की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि इन वंशों में बहुत राजा है लेकिन आने पर भी सबसे सुंदर कथा किसकी है, बोले भगवान राम की और भगवान कृष्ण की। इनकी कथा सबसे सुंदर ये दोनों की कथा है। अभी भगवान कृष्ण की कथा बोलने जा रहे हैं। कहते देखो ये जो कृष्ण कथा है कद तीन गंगा है, बोले एक गंगा स्वर्ग में जो स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है इसका नाम मंदाकिनी, एक गंगा मरते जगत में जिसका नाम भागीरथी, और तीसरा गंगा पाताल लोक में जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती हैं, ये कृष्ण कथा भी तुम लोगों को पवित्र करती है, सुनने वाले बोलने वाले और प्रश्न करने वाले। कहते भगवान कथा में इतने मीठा है, बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन् अहितु की भक्ति। इसलिए कृष्ण कथा में इतने मीठा है, बोले जो ब्रह्म में जो डूबे हुए जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कृष्ण कथा आकर्षण करता है, सुखदेव गोस्वामी जैसे चतुसन जैसे व्यक्तियों को भी कृष्ण कथा आकर्षण करता है। अगर ये भव सागर से कोई पार होना चाहते हैं क्या करो, भगवान की कथा सुनो, कथा सुनते सुनते भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए जिस समय कंस ने बड़े अत्याचार की, बोले मेरे देश में कोई इनको ना बैठ जाए, बोले मेरे देश में कोई भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर सकता है, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, मेरे देश में कोई भगवान के नाम नहीं ले सकता है, जितने भजन करने वाले सब जेल बंद कर दो, सबको उन्होंने जेल में बंद कर दिए, और जितने सबके सब संत लोग कारागार में बैठी बैठी करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बैठ करके ब्रह्म का नाम जप कर रहे थे। इतने में कंस ने अपना बहन को बड़ा प्रेम करता था देवकी को, उनने वसुदेव को साथ में शादी दिया और उन्होंने बहुत कुछ हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरात और उन्होंने कितने दासियों को उन्होंने दहेज रूप में उन्होंने प्रदान की, और कंस स्वयं सारथी बन करके उनको विदाई दे रहा था, और जो विदाई देते समय आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, न रहेगा बांस और न बजगी बांसुरी। चोटी को पकड़े मयान से तलवार निकाल करके जब मारने जा रहे थे, वसुदेव ने देखा ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हुई, किसी तरह से देवकी को बचानी चाहिए। बोले क्यों बचानी चाहिए, कारण है भगवान आने वाले ठाकुर जी आने वाले और इनका एक नाम आनक दुंदुभी, मतलब है जब ये जन्म हुए देवता लोग स्वर्ग लोक में उन्होंने वाद्य बजाए थे, क्यों ये भगवान की पिता ये बनने वाले हैं, इनके अंदर में कुछ प्रभाव है वो कंस जरूर सुन सकता है। साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश किया, शादी का समय बहन को मारेगो दुनिया तुमको बदनाम ही करेगा, ऐसे कोई जीवन होता है, बोले आकाशवाणी नहीं सुने, बोले मैंने भी सुना, बोले बताओ कंस तू एक दिन मरोगे कि नहीं, आज वो 100 साल बाद मरोगे, लेकिन मरता कौन है, बोले ये शरीर है, ये शरीर तो मरती है लेकिन जो आत्मा है न जायते न मृयते अजो निस
शास्वतायम पुराण, कहती जो आत्मा है ये छह विकार से अतीत है, उसको अग्नि जला नहीं सकती, अस्त्र से काटा नहीं जाएगा, पानी में भीगेगा नहीं, वायु सुखा नहीं सकता है, ये आत्मा अजर अमर है। जैसे एक व्यक्ति कपड़ा पुराना होने पर उसको छोड़ करके नए कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर भी पुराना होने पर ये आत्मा ये शरीर को छोड़ करके के नया शरीर धारण करता है। समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन समझाने लास्ट में वसुदेव ने कहा, देखो तुम्हें पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बोले ये बात तो मेरे पता है, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देवकी के जितने संतान सब संतान तेरे को मैं दे दूंगा, सारे संतान को मार दे, लेकिन देवकी को मत मारा करो। अभी प्रश्न है भैया, जो गृहस्थ होते हैं ना वो क्या चाहते हैं, हमारी वंश भी चलनी चाहिए, चाहते ना हमारी बेटा जरूर हो, क्यों बेटा आगे ये वंश को बढ़ाता है। लेकिन इसने बोला छह छह बच्चों को दे दूंगा, बोले ऐसे क्यों, कारण क्या, बोले कारण है उनको पता ये पता दे कृष्ण स्वयं अष्टम गर्भ में आएंगे और इसको मारने वाले हैं, इसलिए भगवान के लिए उन्होंने, और उन्होंने एक एक बेटे को मारते रहा, बोले जब एक एक बेटे को मारा ये ब्रह्मचर्य क्यों पालन नहीं किए, ब्रह्मचारी बनते तो बेटा ही जन्म नहीं लेता, बेटा जन्म नहीं लेता तो मारता किसको, गरीब ब्रह्मचारी बन जाते, बोले नहीं भगवान अष्टम गर्भ में आएंगे मेरे बेटे बन करके, अगर ठाकुर जी के लिए कोई दुख भोगना है ना, लेकिन मैं सब कुछ दुख भोगने के लिए तैयार, एक मिनट रुक जाओ वहीं पर, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसलिए उन्होंने सब कुछ सहन किया, इसलिए अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आने वाले, और उन्हें एक एक बच्चे को उन्होंने कंसों को हवाल उसको देते रहा, और सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु और अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आने वाले। अभी कृष्ण आने वाले, इसलिए जब कृष्ण जब आ रहे थे सारे देवता लोग आकाश मार्ग से सबके सब भगवान को स्वागत कर रहे थे, हैं इतने में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के उन्होंने देवकी वसुदेव की कारागार में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, देवकी बोली प्रभु आपको तो पुत्र रूप में प्रार्थना किया था, आप तो 16 साल के घुंघराली केस और कपड़े पहन करके आए हो, बोले पूर्व जन्म में तो कृष्ण सुत पाते पेड़ का पत्ते खा खा करके तुम लोगों ने तपस्या की, मैंने कहा बर मांगो, बोले आप जैसे बेटा चाहिए, बोले देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में रखाना, वहां पर एक बेटी उसको बेटी को ले आना, बोले जाऊं कैसे हथकड़ी बेड़ी पहरादार, बोले केवल मेरे को सर पर रख दो सारे बंधन तुम्हारी टूट जाएगी। अभी उन्होंने कृष्ण को लेकर जा रहे हैं, रिमझिम बारिश हो रही थी, अनंत देव रक्षा कर रहे थे, जमुना में लपालप पानी, इतने में जब प्रवेश किया जमुना सोच रही है मैं तो ठाकुर का चरण थोड़ा स्पर्श कर लूं, ठाकुर जी पीछे से चरण बढ़ाए और जमुना माता जी भगवान के चरण को स्पर्श किए, बोले जमुना देवी की जय, और उन्होंने गोकुल में गए और उन्होंने कृष्ण को रख करके बेटी को ले आए। फिर कृष्ण तो आज मथुरा में जन्म हुए हैं, कल हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए, उनकी कथा सबसे प्यारी, और कल श्री राधा रानी की कथा होगी, इसलिए कल कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे, गुलाबी रंग के साड़ी, ठीक है ना, इसलिए प्लस वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ प्रभु जी आ जाओ, भले सो सो सब हाथ में
बहन है जो बधाई में नाच सके, आप लोग नाचना सब कैसा और बधाई का आनंद के लाला Thank you.